भादोपद अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात को ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव मथुरा में होता है। जब रघुनाथ जी के रूप में आए, जब राम बनकर आए तब कितने बजे आए? दिन को 12 बजे। और जब कृष्ण बनकर आए तो ठीक रात को 12 बजे। दिन को 12 बजे राम जी आए हैं और रात को 12 बजे श्री कृष्ण आए हैं। तो संत लोग पूछते हैं, कृष्ण एक बात का जवाब दीजिए, राम बनकर दिन को 12 बजे आए हैं और कृष्ण बनकर रात को 12 बजे क्यों? तो कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा आप जानते राम कौन है? बोले आपके राम राजा है, राजा। और राजा की सवारी जब निकलती है तो दिन को निकलती है, और हम कौन है? चोर। और चोर कब आते हैं? वो रात को ही आते हैं। वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित छोर, दिख जाए चित छोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन दिल से गाया करो, चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। नित्य प्रति इस वृंदावन की लीलाओं का रसा साधन कीजिए। अष्टमी तिथि रात को 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट होते कहाँ पर? मथुरा में। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए माया का विस्तार हुआ और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में पधराया और सर पर धारण किया, और फिर रातों रात कहाँ आ गए? गोकुल में। और जैसे सर पर धारण किया तो मथुरा के कारागार के ताले टूट गए, द्वार खुल गए, सैनिक मूर्छित हो गए, किसी को खबर नहीं लगी कब कृष्ण आए और कब गोकुल में पहुँच गए, किसी को खबर नहीं लगी। और उधर माया ने जन्म लिया था और उसको धारण करके वापस आए, कन्हैया को यशोमती मैया के पास पधराया और कन्या को लेकर सर पर धारण करके वापस आए हैं। तो वापस आते ही फिर से द्वार बंद हो गए और ताले लग गए। इसका अर्थ क्या है? जब गए थे तो सर पर कौन है? श्री कृष्ण है। और द्वार अपने आप खुल गए, ताले टूट गए। और जब आए तो सर पर कौन है? माया। फिर से द्वार बंद हो गए और ताले लगे। इसका अर्थ क्या है कि जब जब आप अपने मन मंदिर में श्री वृंदावन बिहारी को धारण करेंगे तब तक हर बंधन टूट जाएंगे, हर बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब जब अपने मन में माया को धारण करोगे आप संसार के बंधनों में जकड़े जाओगे। इसलिए अपने मन में किसे बिठाइए? श्री कृष्ण को। भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन करो, श्री वृंदावन बिहारी का चिंतन करो, उनके रूप लवण्य का चिंतन करो, उनकी लीला कथा का चिंतन करो। चिंतन करते करते आप सहज उससे मुक्त हो जाएंगे, सहज। और एक चार चीजें ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण के जीवन की, कि कृष्ण कब प्रकट होते हैं? रात को, घनी अंधेरी रात है
अंधकार है और रात को ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है। और बड़े गौर से देखिए तो इस तथ्य को देखिए तो हम में और कृष्ण में अंतर नहीं है। जब भी इस संसार में कोई चीज का प्रादुर्भाव होगा, जन्म होगा, तो अंधेरे में ही होता है। बीज बहुत अधिक गहराई में बीज बहुत अधिक गहराई है। इसकी आवाज भी खराब कर रहे हो आप। ठीक हो? चक्कर चक्कर लगाया होगा, आवाज इसकी नहीं है प्रॉपर, मेरे पास गूंज गूंज है सिर्फ। जब भी किसी चीज का जन्म होगा तो अंधेरे में होगा। बीज बहुत अधिक गहराई में धरती के नीचे उसका जन्म होता है, बहुत गहराई में। और धरती के गर्भ में प्रकाश नहीं है, धरती के गर्भ में अंधेरा है। जब भी जन्म होता है, जन्म की प्रक्रिया अंधेरे में ही होती है। जन्म की प्रक्रिया अंधेरे में ही होती है। अब मैं आपसे पूछूं, आपकी जन्म तिथि क्या है? कन्नू ऊंची बोलो। 29 सितंबर 1993 29 सितंबर 1993 ये आपकी जन्म तिथि है? गलत, ये आपकी संसार में आने की तिथि है, जन्म की तिथि नहीं है। जन्म तो इससे बहुत देर पहले माँ के गर्भ में हो चुका था। ये जो तिथि आपको पता है ना, ये आपकी इस संसार में आगमन की तिथि है, जन्म की तिथि नहीं है। जन्म तो आप भी नहीं जानते महाराज कब हुआ, उससे बहुत देर पहले माँ के गर्भ में आप जन्म ले चुके थे। और वो तिथि संसार में किसी को भी नहीं पता है। और माँ के गर्भ में क्या होता है, प्रकाश होता है कि अंधकार होता है? माँ के गर्भ में अंधेरा है, अंधकार है, कोई लाइट नहीं लगी वहां पर। इसलिए जब भी जन्म की कोई प्रक्रिया होगी तो बड़े अंधेरे में होती है। तो यहाँ भेद नहीं है, कृष्ण का जन्म भी रात को 12 बजे अंधेरे में हो रहा है। और किसी भी चीज का जब जब जन्म की प्रक्रिया होगी तो वो रात के अंधेरे में ही होती है, वो अंधकार में ही होती है। जन्म हमेशा अंधकार में होता है और लेकिन प्रकाश में जी बाद में आता है। बीज का जन्म भी बहुत नीचे उसका हो चुका है अंकुरण, वो तो बाद में प्रादुर्भाव प्रकाश में हो रहा है, लेकिन जन्म की प्रक्रिया। इसलिए यहाँ पर कृष्ण में और किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, किसी जीव में कोई भेद नहीं है, एक जैसे है। कृष्ण का जन्म भी अंधेरे में है और हमारा जन्म भी अंधेरे में ही हुआ है। दूसरा, कृष्ण कहाँ पैदा हुए हैं? कारागार में। कहाँ पैदा हुए? कारागार। कारागार माने बंधन, कृष्ण बंधन में पैदा हुए हैं। तो यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, हम सब बंधन में ही तो पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा कारागार संतों ने इस संसार को कहा है, ये संसार ही कारागार है, ये संसार में आना ही बंधन में आना है। तो यहाँ कोई भेद नहीं है, ये संकेत है, हम भी बंधन में ही आए हैं। अब ये देखना अलग बात है कि आते तो सब बंधन में है, लेकिन जाते वक्त मुक्त होकर कौन जाएगा? आप मैं सभी बंधन में आए हैं, लेकिन कोई कोई बिल्ला व्यक्ति जिसको जागृति आ गई, चैतन्य हो गया और फिर उसका अंदर का साधु तत्व जागृत हो गया, फिर वो व्यक्ति मुक्त होकर जाता है। अन्यथा आते सब बंधन में है, रहना सभी को बंधन में है। इसलिए यहाँ भी भेद नहीं है, कृष्ण भी बंधन में आए हैं, हम भी बंधन में आए हैं। तीसरे, कृष्ण के पैदा होते ही मृत्यु सर पर सवार है, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए। कितने रूपों में कृष्ण के सामने मौत आ रही है। सबसे पहले तो कृष्ण के जन्म से पहले कंस मृत्यु बनकर बैठा है, ये आए और न मार दूं, इसकी विसलिंग ठीक करो, ये आए और मैं इसे मार दूं। कितने षड्यंत्र, अकासुर, बकासुर, अघासुर, कितने रूप में मौत सामने आकर खड़ी है, कभी जरासंध के रूप में, कभी काल यवन के रूप में। और जीवन पर्यंत कृष्ण मृत्यु का सामना करते रहे। और विचार कीजिए, हमारे साथ भी तो यही है, जीव जन्म लेकर आता है, जन्म के साथ मौत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जन्म लेते ही मौत की प्रक्रिया शुरू है। कब मौत दबोच ले कोई नहीं जानता। तभी तो सूर्य जी क्या कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम
कलोकिरेण भाषितम्। ये मृत्यु रूपी अजगर सबके सर पर सवार है और जन्म के होते ही मृत्यु शुरू, कब दबोच रहे कोई नहीं जानता। यहां भी तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा चार चीजें कृष्ण की। सर्वप्रथम जन्म कहां हुआ? अंधेरे में। हम सब कहां जन्म लेकर आए? अंधेरे में। बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। दूसरे कारागार में आए हैं, बंधन में आए हैं, हम सब भी तो बंधन में आए हैं। तीसरे जन्म लेते ही मृत्यु, कब आगमन हो जाए, कब अटैक कर दे, कब आक्रमण कर दे, कोई नहीं जानता। हमारे साथ भी तो यही है, इसलिए यहां तक एक जैसे हैं कृष्ण भी और हम भी। लेकिन जो चौथी प्रक्रिया है वो किसी विशेष भक्त के जीवन में होती है या कृष्ण के जीवन में होती है। और वो क्या कि कृष्ण के जन्म लेते ही मृत्यु आती है। कितने रूपों में कृष्ण के सामने मौत आएगी, जीवन पर्यंत मौत आएगी, लेकिन जब जब श्री कृष्ण के सामने मृत्यु आकर खड़ी होगी तब तब मौत की मौत हो जाएगी और कृष्ण बच के निकल जाएंगे। लेकिन ये हमारे साथ संभव नहीं हो पाता, ये भक्त के साथ होता है। प्रहलाद के सामने कितनी बार मौत आई, और मौत देने वाले अपने पिता। कभी सांपों के सामने डालना, कभी पागल हाथियों के सामने गिर देना, कभी पर्वत की ऊंचाई से फेंक देना, कभी विष का प्याला पीना पड़ा। मीरा को कितनी बार मृत्यु का सामना करना पड़ा। लेकिन जितनी बार भक्त के सामने, संत के सामने मौत आती है, हर बार मौत की मौत हो जाती है, लेकिन भक्त का बाल बांका नहीं होता। जाको राखे सांवरिया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग भी वैरी हुए। वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त बच के निकल जाएगा। उसे भरोसा है अपने सरकार का, अपने कृष्ण का। इसलिए महाराज सदा हर वक्त नाम स्मरण करें जितना अधिक हो सकता है। भागवत कहते हैं, अवेदंत विचित्राणी वादी त्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमांगते। रात को 12 बजे कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है, और फिर उस वक्त जब वसुदेव निकले, शीतल पवन बह रही है, बादलों की गड़गड़ाहट है, सारा संसार सो रहा है, कोई एक है जो दर्शन कर रहा है, और वो कौन? चंद्रदेव। अकेले चंद्रदेव है। कई संतों के बड़े सुंदर भाव है यहाँ पर कि जब भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं दिन को 12 बजे तो सूर्य वंश में आए। अब दिन का समय तो सब जाग रहे हैं, तो कहते सभी लोग दर्शन करने के लिए आए। और गोस्वामी तुलसीदास तो कहते कि एक माह तक रात हुई नहीं, एक माह तक सूर्य खड़े रहे। ये प्रकृति का नियम नहीं है कि सूर्य एक माह तक उदित रहेगा और रात नहीं होगी। उनके कहने का अर्थ है कि इतना उत्सव, जैसे मान लो घर में ब्याह शादी का उत्सव होता है, तो रात भी हमारे लिए कहाँ रात रह जाती है। हम दिन रात जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का वक्त ऐसा है जब रात भी रात नहीं रही, रात भी रात नहीं रही। तो कहते सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी पधारे हैं तो सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं, लेकिन चंद्र को दर्शन नहीं हो रहा। तो कहते चंद्रदेव ने राम जी को कहा, प्रभु मुझे लगता है कि आप भी पक्षपाती हो गए, सूर्य वंश में आए हैं इसलिए आप सूर्य के को दर्शन हो रहा है लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले चंद्रदेव हम पक्षपाती नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब की बार मैं दिन में आया हूँ दिन को 12 बजे और सकल विश्व जाग रहा है, मेरा दर्शन कर रहा है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ जब परिपूर्ण कलाओं से कृष्ण मन कर आऊंगा, सकल विश्व सो रहा होगा और अकेले चंद्रदेव आप मेरा दर्शन करना, और मेरे नाम के साथ कभी सूर्य का नाम नहीं लगेगा। भले मैं सूर्य वंश में आया हूँ लेकिन मेरे नाम के साथ कभी सूर्य का नाम नहीं लगेगा, जब भी नाम लगेगा तो आपका लगेगा। आप क्या बोलते? रामचंद्र, सियावर राम चंद्र, राजा राम चंद्र। सूर्य बोला कभी? चंद्र, क्योंकि रघुनाथ जी ने आशीर्वाद दिया। और रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है? बड़ा कोमल, मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणामयी, शालीनता, बड़ी शालीनता। जब बोलते हैं ना तो महाराज केवल शब्द ही सबको अपना बना लेते हैं, और व्यवहार ही तो है आपका। एक व्यवहार ऐसा है जो सबसे रिश्ते तोड़ देता है, और एक व्यवहार ऐसा होता है जो अब दूसरों को भी अपना बना लेता है।
संतों की शालीनता, भक्तों के अंदर का जो भाव है वो सकल विश्व को अपना बनाता है, और यही उनकी सादगी है, यही उनके अंदर का सबसे अलौकिक प्रेम है। चंद्रदेव दर्शन कर रहे हैं और कहते मथुरा में और गोकुल जी के अंदर यमुना जी हैं, और जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना जी में उतरते हैं तो यमुना जी का जल स्तर बहुत कम था, चरणों तक था, लेकिन जैसे यमुना जी ने देखा कि कृष्ण आए हैं, और कृष्ण कौन है, उनके प्रीतम है, और यमुना जी कौन है, श्री कृष्ण की पटरानी है। कौन सी पटरानी? चौथी पटरानी, कालिंदी महारानी, वो यमुना जी है। तो यमुना जी का मन हुआ कि मैं श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करूं, तो यमुना जी का वेग बढ़ने लगा, उनका जलस्तर बढ़ने लगा, चरणों से घुटनों, घुटनों से कमर तक, कमर से हृदय तक, और मुख तक आने लगा। और तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरण टोकरी से बाहर निकाले और यमुना महारानी ने श्री चरणों का प्रक्षालन किया और तृप्त हो गई। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कब श्याम सुंदर पधारे गोकुल में और कब माया को लेकर कंस आ गए कोई नहीं जानता, सब माया के बल से सब मदहोश थे। सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा कि लाला भयो, सब सो रहे थे, और सबसे पहले उसने देखा और देखा यशोमती मैया तो बिल्कुल मदहोश है, जगाया यशोदा रानी, और जब यशोदा को होश आया और देखा पास में लाला है, और दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा कहां पर, गौशाला में, जहां नंद बाबा गौ सेवा कर रहे हैं, और जाकर उछल कूद करने लगी। बोले बाबा बधाई हो। बोले का भयो? बोले आज परम आनंद भयो, ये नहीं कहा कि लाला भयो, पुत्र भयो, आज आनंद भयो, क्योंकि जहां कृष्ण पधारेंगे वहां साक्षात आनंद प्रकट हो जाएगा। इसलिए तो हम गाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ये नहीं बोला कि नंद के लाला भयो, नंद के पुत्र भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, हाथ उठा के बोलो नंद के आनंद भयो। हाथी दिने घोड़ा दिने नंद के आनंद भयो। और फिर यहां से गोकुल का उत्सव शुरू होता है। अवेदंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, अपर उत्सव है, कृष्ण प्रकट हुए तो माने आनंद प्रकट हुआ है। और फिर तो जैसे खबर लगी पूरे गोकुल में खबर फैल गई, और गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आती हैं आज नंद नंदन का दर्शन करने के लिए। ग्वाल बाल और नंद बाबा का स्वभाव देखो कितना विनम्र है। बोले पूर्णमासी जो वृंदावन की ब्रज की सबसे बूढ़ी गोपिका है, नंद बाबा के पास है, बोले बाबा आज मेरे प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैंने कितनी एकादशी के व्रत किए, कितनी पूर्णिमा रखी, और हर बार एक ही मांग करती थी कि हे गोविंद कृपा करो हमारे नंद राय जी के यहाँ पर संतान का सुख मिले, और आज प्रभु ने सुन ली। और इतना सुनकर नंद बाबा बड़े विनम्र हो जाते, चरणों में झुक जाते, बोले मैया मेरे यहाँ कौन सा ऐसा सौभाग्य था, ये तो तूने कृपा की, तेरी कोई प्रार्थना स्वीकार हो गई जो इस आयु में मेरे यहाँ पर एक संतान का सुख मिला, अन्यथा हम तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे। कोई ग्वाल बाल मिल जाए नंद बाबा को, बाबा मैं बड़े मंदिरों में गया, मैंने बड़ी मन्नतें मांगी, बड़े माथे रगड़े, और आज प्रभु ने सुन ली और आपके यहाँ पर संतान का सुख मिला है, तो बाबा झुक जाते, बोले नहीं हमारे सौभाग्य में नहीं था, ये तो आपकी प्रार्थना को स्वीकार हो गई है जो इस आयु में आकर आज ऐसा परम सुख की प्राप्ति हुई है, और बड़े आनंद। बोले इतना आनंद, इतना आनंद, आज सब गोपिकाएं, सब गोपिकाएं सज धज कर 16 श्रृंगार करके आज नंद नंदन का दर्शन करने आती हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन किया, श्री ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, और अभिषेक होने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन के पल्ले में पुड़ाया गया है श्री कृष्ण को, रेशम की डोरी लगी है, और सभी सखियां सभी गोपिकाएं आकर आज नंद नंदन को झूला झूला रही हैं। और देखो यहाँ से ब्रज की लीला है, इसलिए गोपी भाव लेकर बैठी है। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो माने इंद्रिय और पी माने पी, जो अपनी समस्त इंद्रिया से कृष्ण प्रेम का रस पी रही है, इसलिए वो कौन है? गोपिका है। जो आंखों से प्रभु के स्वरूप को देख रही है, जो कानों से कृष्ण की वाणी का स्मरण कर रही है, उसका श्रवण कर रही है, जो रसना से श्री ठाकुर जी के नाम का जाप कर रही है, जिसके हाथ श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन है, और जिसके पग केवल और केवल श्री कृष्ण के धाम की ओर जा रहे हैं,
माने जिसकी समस्त ज्ञान इंद्रियां, समस्त कर्म इंद्रियां केवल और केवल कृष्ण प्रेम का रस ले रही है, इसलिए वो कौन है? गोपिका है। इसलिए वो कौन है? गोपिका। और गोपिका बनकर ही आप कृष्ण प्रेम को समझ पाएंगे। इसलिए तीन दिन जो ब्रज की लीला है, प्रयास कीजिए ये चित्त, ये मन गोपी के रूप में प्रकट हो जाए। जब तक चित्त गोपी नहीं बनेगा तब तक कृष्ण प्रेम समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले कहा, गोपी कौन? जिसको आंख बंद करके समाधि नहीं लगानी है, जो खुली आंख से समाधि लगा लेती है। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन में गई फिर मैं भी हो गई। आइए सब गोपिका बनकर आज शाम सुंदर को झूला झुलाएं। कोई छछोली में ना रहना, अब ये विचार करो, भाव करो, हम सब वृंदावन में हैं। और वही गोपिकाएं जो बड़े बड़े दिग्गज संत महात्मा बरसों भर की साधना करके आज श्री धाम वृंदावन में पधारे हैं, केवल और केवल कृष्ण प्रीतम का परम सुख लेने के लिए, उन गोपिकाओं के साथ एक हो जाएगी। चंदन काहे पलना रेशम की है वो, चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, समझ में आने वाली नहीं है। चंदनी काहे पलना रेशम की है दो, चंदनी काहे पलना रेशम की है दो, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर। माते यशोदा मन मन फूले, आज कन्हैया प्यारो पलना
जपक सुलावे जपक की आंचले माथे पे आंखों में काजल जपक सुलावे जपक की आंचले माथे पे टीका आंखों में काजल जपक सुलावे जपक की आंचले माथे पे टीका आंखों में काजल देवे सखी बधाई यशोदा के कर जो देवे सखी बधाई यशोदा के सब कर जो देवे सखी बधाई यशोदा के कर जो देवे सखी बधाई।
इकट्ठे गाओ। कन्हैया झूले पलना कहले झूठा दीजो, मथुरा में हम जन्म लियो है, मथुरा में हम जन्म लियो है, मथुरा में हम जन्म लियो है, ओ मथुरा में हम जन्म लियो है, गोकुल में पग धारो रे निकहो ले झोटा जीजो, लाला झूला मेरो लाला झूले पलना निकहो ले झोटा जीजो, मेरो लाला बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। खूब महाराज गोकुल में परम उत्सव, सभी सखियाँ आती हैं और सज धज के सोलह श्रृंगार करके नंद नंदन का दर्शन करती हैं बड़े भाव से। और नंद बाबा की स्थिति कैसी, इतने प्रसन्न कि नंद बाबा महामना हो गए, भंडार खोल दिए। भागवत कहती है, नंदो महामनिस्ते भयो वासु अलंकार गोदनम सूतम भाग बंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीवन। नंदो महामने स्थिति, नंद बाबा महामना हो गए, सब भंडार खोल दे, जिसको जो चाहिए ले जाओ। 200,000 गैया का दान बाबा यहाँ कर रहे हैं, और गैया कैसी जो ताजी सुई हैं, जिनके साथ बछड़े हैं, जिनको अलंकृत किया गया। नंदो महामने स्थिति वासो अलंकार गोदनम, अलंकृत किया गया, जिनके सिंगों में सोना मढ़ा गया और खुरों में चांदी, बछड़ा या बछड़ी जिनके साथ है, दुधारू गैया, ऐसी 200,000 गैया का दान नंद बाबा यहाँ पर कर रहे हैं। इतने महामना भंडार खोल दिए, जिसको वस्त्र चाहिए पूछने की आवश्यकता नहीं, ले जाओ। अन्न चाहिए, अन्न के भंडार खोल दिए, सोना चाहिए चांदी चाहिए सब लिए जाओ। कहते कहीं ग्वाल बाल आए और वो सोना चांदी लिए जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में कुछ गोपिकाएं मिल गई और गोपिकाओं ने पूछा, ग्वाल बाल आप इतना सोना चांदी कहाँ से ले आ रहे हैं? ग्वाल बालों ने कहा, नंद बाबा ने आज भंडार खोल दिए और सब लुटा रहे हैं। आप नंद बाबा से सोना चांदी लेकर आए? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए, सोना चांदी लेकर आए क्या नंद नंदन का दर्शन किया? बोले वो तो नहीं किया। बोले तभी तो, अगर एक बार तुम नंद नंदन को देख लेते ना, अगर श्याम सुंदर का दर्शन कर लेते तो यही सोना चांदी फीके लगते। ग्वाल बाल पूछते, क्या इतने सुंदर हैं? बोले ये बताने का विषय नहीं है, खुद जाइए और इन आंखों से खुद निहारिए। और गोपिकाओं के कहने से ग्वाल बाल वापस आए, बोले बाबा एक बार अपने लाला का दर्शन तो करवा दियो। बोले आप जाओ, मैंने कौन सा रोकी किसी को। और तब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, और जैसे नंदनंदन का दर्शन किया महाराज इतने भाव विभोर हो गए। सोना चांदी लेकर तो गए थे, लेकिन कब लेकर गए? जब कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन श्री वृंदा विपिन बिहारी के इस बाल छवि को देखने के बाद वही ग्वाल बाल सोना चांदी फेंक दिया, घर तक नहीं लेकर गए, सब फेंक दिया। और आज ब्रज में सोना चांदी बिखरा पड़ा है, जो हीरे मोती लेकर गए थे सब बिखरे पड़े हैं। और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के आगमन के बाद भगवती लक्ष्मी ने वैकुंठ का प्रत्याग कर दिया, और वैकुंठ का प्रत्याग करके लक्ष्मी ब्रज रज की कणिका कणिका में समाहित हो गई है। तभी तो गोपिका गीत के प्रथम श्लोक में गोपिकाएं कहती हैं, जयेति तेजिकम जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्रही। हे ब्रजराज, यूं तो हमारे वृंदावन की शोभा बड़ी अनुपम है, लेकिन सच है कि कृष्ण जब से आप वृंदावन में आए हैं ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी ने वैकुंठ का प्रत्याग कर दिया है, और उसने भी वृंदावन की रज की कणिका कणिका में स्थान ग्रहण कर लिया है। क्योंकि आज महसूस होता है, आप जाइए सभी देवी देवता सब तीर्थ स्थल आपको वृंदावन में ही मिलेंगे। सभी धाम श्री कृष्ण के हैं,
भले आप बद्रीनारायण जाइए, आप जगन्नाथ जी जाइए, आप रंगनाथ जी जाइए, आप तिरुपति बालाजी का दर्शन कीजिए, सब धाम श्री कृष्ण के हैं। लेकिन जितना प्यारा श्री कृष्ण को वृंदावन है, उतना प्यारा कुछ और नहीं है। तभी तो रसिक जन कहते हैं कि होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्री श्याम श्यामा के, ऐसे वृंदावन सानंद आप कहीं नहीं पाओ। जहाँ कणिका कणिका में, जहाँ वृंदावन की रज की कणिका कणिका में श्याम प्रियालाल जी बसे हुए हैं। आज भी आप जाइए, आप ब्रज रज का रज को उठाना, कणिका को उठाना, आप देखेंगे एक कणिका श्याम वर्ण है और एक कणिका गौर वर्ण है। मिट्टी की कणिका में भी, रज की कणिका में भी आप देखेंगे एक कणिका उसमें श्याम वर्ण होगी, काले रंग की होगी, और एक उसमें श्वेत वर्ण माने गौर वर्ण की होगी। माने प्रिया लाल जी यहाँ की कणिका कणिका में बसे हैं। हमारे रसिकों की मान्यता है, आप किसी भी जगह पर जाइए, आप मंदिर जाते हैं, आप श्री प्रिया लाल जी का दर्शन करते हैं, राधे कृष्ण का दर्शन करते हैं, और मंदिर से आपको भगवान के गले की कंठी मिलती है, गले का हार मिलता है, कंठी का मिलती है, आप आदर से ही तो उसको लेकर आते हैं, क्योंकि वो भगवान के गले की कंठी का है, वो दिव्य है। और कहीं कंठी लजाते लजाते वो रस्ते में गिर जाए तो कहते वो दोष है, क्योंकि भगवान की दिव्य माला है तो वो दोष है। लेकिन मान लीजिए आप वृंदावन में हैं, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, आप राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर बिहारी जी के गले की कंठिका आपको मिल जाती है, और आप उस कंठिका को लेकर वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते वो कंठिका गिर जाए तो कोई दोष नहीं, तो गिरेगी तो प्रियालाल जी के गले में ही गिरेगी, क्योंकि वृंदावन में प्रियालाल जी के सिवा कुछ नहीं, यहाँ की कणिका कणिका में केवल और केवल श्री लाडली लाल जी का ही वास है। इसलिए जब भी वृंदावन जाइए महाराज, मैंने पहले कहा, एक ललक लेकर जाइए, एक प्यास लेकर जाइए। यहाँ पिया मिलन होगा, लेकिन ललक क्या हो? अब गोपिकाएं कहती है ना, तुम सोना चांदी लेकर आए, क्यों? क्योंकि तुमने श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया, तुमने नंद नंदन को नहीं देखा। अगर एक नजर भर के तुम नंद नंदन को देख लेते ना, ये सोना चांदी मिट्टी लगते हैं। और फिर वही हुआ, नंद नंदन को देखने के बाद वही बाल ग्वाल वही सोना चांदी फेंक दिया, अब नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इस सकल विश्व का परम धन जो प्राप्त कर लिया। इसलिए संतों से पूछो उनका धन क्या है, तो वो एक ही बात कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए नंद नंदन को प्राप्त करने के बाद स्थिति कैसी हो गई, नंदो महामने स्थित भयो, नंद बाबा महामना हो गए। महामना का अर्थ माने हृदय इतना विशाल, कुछ भी ले जाओ परवाह नहीं, और खूब उत्सव हो रहा है। अष्टमी तिथि को श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, राम जी कब आए? नवमी तिथि को। राम बड़े सरस हैं, दोनों परिपूर्ण कला है, दोनों परिपूर्ण स्वरूप हैं, राम भी कृष्ण भी, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी संत महात्मा थोड़ा कला का भेद करते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है और रघुनाथ जी 12 कला संपूर्ण है, जबकि रघुनाथ जी भी परिपूर्ण कला संपूर्ण है। ये जो चार कलाओं का भेद बताया गया वो कौन सा है? सर्वप्रथम खाना, ये जो चार कलाओं का भेद है खाना, दूसरे खेलना, तीसरे गाना, चौथे नृत्य करना, ये चार का मूल भेद है। राम जी भी करते हैं, लेकिन राम थोड़ा गुप्त करते हैं, राम थोड़ा गुप्त कर लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम मान लीजिए खाना, अब राम जी का जीवन देखिए महाराज, रघुनाथ जी ने खाया बहुत कम है, बहुत कम। पहले गुरुकुल में रहे, गुरुकुल का नियम तो बहुत अधिक अन्न का नहीं होता था। फिर अयोध्या वापस आए, जानकी जी से विवाह हुआ, 12 साल रुके अयोध्या में, तब थोड़ा बहुत जो खाया सो खाया। फिर 14 साल का वनवास हो गया, अब वनवास में तो वही कंदमूल फल इत्यादि। उसके बाद जब वापिस आए तो माँ भगवती जानकी जी का प्रत्याग हो गया, उसके बाद तो पूरा जीवन कष्ट में राम जी का बीतना, खाया बहुत कम है। जिंदगी भर रघुनाथ ने बहुत कम खाया, और कृष्ण कन्हैया अपने घर में मिले सो मिले, नहीं तो गोपिकाओं के घर में चोरी करके खाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, खूब खाया, खूब खाया क्या, खिलाया भी साथ में, खूब ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, मृगों को खिला रहे, बंदरों को खिला रहे हैं, खूब
श्री कृष्ण ने खाया भी और खिलाया भी, भूखे नहीं रहते। मैंने पहले कहा कन्हैया तीन बार भोजन नहीं करता, कम से कम दिन में 8-10 बार खाते हैं, बड़ी भूख लगती है कन्हैया को, ध्यान रखा करो। दूसरी कला खेलना। राम जी खेले लेकिन बचपन में, चारों भैया अयोध्या वासियों के साथ खूब खेलते थे, खूब खेले। गेंद का खेल भगवान बड़ा खेलते हैं, लेकिन उनका खेल बचपन तक ही कायम रहा। और अक्सर अक्सर लोगों का खेल बचपन तक ही कायम रहता है, फिर तो जिंदगी भर आप खेल ही नहीं पाते, जिंदगी भर आप खेल नहीं पाते। तो राम जी का खेल भी बचपन तक कायम रहा, आगे नहीं चला। और कन्हैया, कन्हैया तुम्हारा जिंदगी भर खेल ही करते रहे। गोपिकाओं के घर में जाकर खेल करना, अगासुर बकासुर आदि जैसे बड़े बड़े दैत्यों को भी खेल खेल में पछाड़ दिया, खेल खेल में महाभारत जैसा परम युद्ध करवा दिया। बड़े बड़े दुराचारियों को, बड़े बड़े दुर्भावने को, कामियों को महाराज खेल खेल में खत्म कर दिया। ये सब क्या है, कृष्ण का खेल ही तो है, सब कृष्ण का खेल है हमारा, बहुत खेले कृष्ण। और तीसरी कला गाना। गाना ये अतिशय महत्वपूर्ण कलाएं हैं, ये जो दो कलाएं कृष्ण संसार को दे रहे हैं, प्रथम गाना और दूसरा नृत्य करना। अगर ये दो कला आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप जीवन जी नहीं रहे हैं, आप केवल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कभी सुना आपने राम जी ने गाया हो, विचार करो, कभी सुना आपने राम जी ने गाया हो, गाया है। राम जी वीणा बहुत सुंदर बजाते हैं, बहुत सुंदर। गुरुकुल में जब भी कोई उत्सव होता है तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, राम को सुनाइए। और तो महाराज राम जी वीणा लेकर, क्या वीणा की तारे छनछनाती हैं, और लखन जी महाराज मृदंग की थाप पर, और क्या संगीत गूंजता है, बहुत सुंदर गाते हैं राम जी, बहुत सुंदर। लेकिन विडंबना यह है कि राम जी का संगीत गुरुकुल तक ही सीमित रहा, उसके बाद राम नहीं गा पाए। गुरुकुल तक तो राम जी ने खूब गाया, और गुरुकुल में तो हर शिक्षा मिलती है, संगीत की, शास्त्र की, शस्त्र की, अर्थशास्त्र की, गणित की, खगोल की, विज्ञान की, हर प्रकार की शिक्षा, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या। तो राम जी ने उसमें संगीत विद्या भी हासिल की है, परंपरांगत है वो वीणा के अंदर, और जो गाते हैं महाराज अद्भुत। बस विडंबना ये है वो संगीत भी उनका केवल 15 साल की आयु तक सीमित रहा, आगे नहीं गया। और कृष्ण महाराज, कृष्ण के गीत तो जगत प्रसिद्ध हैं, युगल गीत, भ्रमर गीत, और किन किन राग रागनियों में श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर वंशी वट की छैया में, किन किन मुद्राओं में, किन किन रागों में, किन किन रागनियों के अंदर क्या क्या गाया, इसका उल्लेख भागवत में नहीं मिलेगा आपको, इसका उल्लेख मिलेगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। जिस जिस राग में श्री कृष्ण ने गाया है, जिस मुद्रा में गाया है, वेणु की तान छेड़कर क्या सकल विश्व को आकर्षित करता है वो ब्रह्म। एक कृष्ण ही है महाराज जो इतने तूफान जिंदगी के हैं। आप कभी नोट करना, कृष्ण 125 वर्ष धराधाम पर फिजिकली फॉर्म में रहते हैं, और इस 125 वर्षों में मुझे लगता है एक भी दिन था जब तूफान ना आया हो, जब विक्षेपताएं कृष्ण के जीवन में ना आई हो। कितने संकट, कितने तूफान, कितनी विक्षेपताएं, कितनी विडंबनाएं, कितने दुख, कितने कष्ट हर वक्त कृष्ण के जीवन में है। दशों दिशाओं में कृष्ण के खूब आंधियां चल रही हैं, खूब तूफान उठ रहे हैं, खूब खलबली है, बार बार आक्रमण, बार बार मृत्यु का साया कृष्ण के करीब आता है। लेकिन कभी नोट करना, इस इतनी विडंबनाओं में भी, इतने तूफानों में भी एक कृष्ण ही ऐसे मिलेंगे जो बड़े आराम से चैन की बांसुरी बजाते हैं। एक कृष्ण मिलेंगे जो सदा मुस्कुराते हैं, लाखों दुख आने के बाद भी कृष्ण के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती है। हमने किसी को परिपूर्ण नहीं कहा, ध्यान रखना, हमने केवल और केवल कृष्ण को ही परिपूर्ण कहा है। कारण इसलिए नहीं कि वो सदा कला संपूर्ण है, इस बात को बारीकी से समझना। कृष्ण परिपूर्ण क्यों है, हमारे जीवन में सदा दो परिस्थितियां आती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है।
हमें क्या चाहिए? ऊंची बोलो, हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख तो किसी को नहीं चाहिए। हमने सुख और दुख में सुख को ही चुना है, दुख को नहीं चुना है। हमारे जीवन में अंधकार भी आता है, प्रकाश भी आता है। हमने उसे चुना जो हमारे अनुकूल हो, और जो हमारे प्रतिकूल है उसको उसे हम दौड़ते हैं। हमारे जीवन में फूल भी खिले हैं और कंटक भी आते हैं। हमने किसको चुना? आप में कोई ऐसा है जो कभी कंटक चुनने गया हो? नहीं, हर कोई फूल ही चुनता है, कंटक नहीं चुनता। महाराज, हमारे जीवन में युद्ध के अवसर भी आते हैं, शांति स्थापित करने के वक्त भी आता है। हमने उसे चुना जो हमारे अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है उससे हम दौड़ते हैं। हमारे जीवन की उन दो परिस्थितियों में जो अनुकूल है उसका हम सदा चयन करते हैं, और जो प्रतिकूल है उससे हम दौड़ते हैं। इसलिए हम केवल जीव हैं, लेकिन कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म क्यों है? कृष्ण के जीवन में दोनों परिस्थितियां आएंगी, सुख भी आता है, दुख भी आता है। और जितनी मुस्कुराकर श्री कृष्ण सुख का अभिनंदन करते हैं, उतनी मुस्कुरा के वो दुख को भी गले लगा लेते हैं, दौड़ते नहीं है। अगर पुष्प चुनने हैं, कृष्ण मुस्कुराकर फूलों को चुनेंगे, और अगर कांटे चुनने हैं पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोपिकाओं के घर में जाकर माखन चुराना है तो भी चुराएंगे, और अगर अगासुर बकासुर का वध करना है तो भी कृष्ण वध करेंगे। अगर यमुना के तट पर वंशीवट की छैया में, वृंदावन की रमणियों के संग में महाराज की क्रीड़ा करनी है तब भी कृष्ण करेंगे। और अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रणभूमि में बड़े बड़े द्रोणाचार्यों के बीच में जाकर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान देना है तब भी उसका अविरल धारा बहाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जीवन जैसा मिला कृष्ण को उन्होंने परिपूर्ण स्वीकार कर लिया, मुस्कुरा के हंसते हुए। इसलिए कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म। धर्म की परम गहराई पर उतरने के बाद भी कृष्ण उदास नहीं मिलेंगे। वरना आज देखना, व्यक्ति थोड़ा सा धर्म को जानता है ना, वो बड़ा गंभीर हो जाता है, बड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन कृष्ण को देखिएगा, धर्म की परम गहराई पर उतरने के बाद भी कृष्ण मुस्कुराते नजर आएंगे। कृष्ण को कहीं खड़े कर दीजिए, महाराज मैच करेगा। कृष्ण को वृक्ष के तले खड़े कीजिए, वृक्ष का एक एक पत्ता कृष्ण के साथ मैच करता है। आप नदिया के तट पर कृष्ण को खड़ा करके देखिए, कल कल बहती नदिया के जल की धारा कृष्ण के साथ मैच करेगी। आप अनंत आकाश के तले कृष्ण को खड़ा कीजिए, जितना अनंत आकाश है उससे अनंत श्री कृष्ण है। जीवन जैसा मिला कृष्ण ने स्वीकार किया मुस्कुरा के, इसलिए कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, केवल कलाओं से नहीं। इसलिए खूब गाया। और चौथी कला नृत्य। सुना राम जी कभी नाचे हो? सुना को? हाँ, बंद कमरे में कभी नाच लिए हो राम जी वो अलग बात है, लेकिन खुले आम राम जी नहीं नाचे हैं। ये कला उन्होंने गुप्त रखी है, गुप्त रखी है। लेकिन कृष्ण इन्होंने नचाए है ब्रह्मांड सारे, बड़ी अद्भुत कला है महाराज ये। कृष्ण ही नृत्य करते हैं, महादेव नृत्य करते हैं, और कृष्ण सिखा रहे हैं। अगर जीवन को सही ढंग से सीखना जीना है तो ये दो कलाएं कभी नहीं छोड़ना, गुनगुनाना, गीत गाना और नृत्य करना। नहीं कर सकते सबके सामने, कभी कभी बंद कमरे में खूब करो, खूब नाचो महाराज। और बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है ये नटराज ध्यान। महादेव नाचते हैं, कृष्ण नाचते हैं, लेकिन नाचने में और नृत्य में एक अंतर होता है, ध्यान रखना बस। नाचना शरीर का है और नृत्य आपकी आत्मा का है। जब नाचते नाचते अभी आपको संसार की होश है तब तक वो नाच ही है, लेकिन जब नाचते नाचते मदहोशी आ जाए, भूल जाए आपको सब कुछ, अगल बगल का संसार भूल जाए, विस्मृत हो जाए, बस इतना याद हो आप हैं और प्रीतम सन्मुख है, तो वो नृत्य बनता है। नृत्य आत्मा का होता है, या यूं कहिए कि आत्मा का सही ढंग से नृत्य करना ही संन्यास है। जब आत्मा केवल और केवल अपने गोविंद के लिए नाचती है, गोविंद को रिझाने के नृत्य करती है, तब इसलिए वृंदावन की महारास में, श्री वृंदा विपिन बिहारी की प्रियाजू की महारास में नृत्य होता है, नाचना नहीं होता। उसमें नाच नहीं, उसमें नृत्य है। इसने मस्ती में झूम कर महाराज
केवल प्रीतम के लिए हृदय भाव को समर्पित करना चाहिए। ये अतिशय महत्वपूर्ण कलाएं हैं, गाना और उसके बाद नृत्य करना। और वृंदावन में आया महाराज, इसलिए तो आए हैं, यहाँ उत्सव है, खूब उत्सव हो रहा है। नंदो महामनेस्तव अष्टमी तिथि को गोविंद आए, नवमी दशमी एकादश द्वादश, द्वादश तिथि को कैलाश धाम से भोले बाबा आए और महादेव ने श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया और श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करके महादेव वापस गए। और त्रयोदशी तिथि को नंद बाबा कहाँ गए, मथुरा में वार्षिक कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षयाम निरुपे मथुराम गत नंद कंस से वार्षिकम करम दातुम वक्तव्य। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में गए और मथुरा में नंद बाबा की मुलाकात हुई वसुदेव जी से। और वसुदेव जी ने कहा था कि जब से उस कन्या को लेकर आए और कंस ने कन्या का वध करना चाहा तो कन्या शक्ति रूप धारण करके प्रकट हो गई और उसने कंस को कहा था, मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। और तब से कंस बड़ा डरा हुआ है, अपने आततायियों को भेजता है जितने नवजात शिशु हैं उनका वध कर दो, जितने नवजात शिशु हैं उनका वध कर दो। और मुझे खबर मिली है नंदराय जी आपके यहाँ भी दो लाला है, क्योंकि बलराम भी यही है, बलभद्र भी यही नंद बाबा के पास है, रोहिणी माँ यहीं रहती हैं। तो इसलिए मेरी विनती है आप अधिक देर मथुरा में मत रुकिएगा, आप बहुत जल्दी वापस चले जाइएगा। और बाबा भी ज़्यादा नहीं रुके। और फिर आई चौदश तिथि, और चौदश तिथि को कंस ने किसे भेजा वृंदावन में, पूतना को। पूतना कौन है, पूतना बालघातनी कंस की परिचारिका है, उसकी दासिका है। और वो फिर अपना एक स्वरूप धारण करके अपने साध्वी का रूप बनाया, सुंदर नहीं थी लेकिन सुंदर बनी, अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगाया, क्यों, कृष्ण को मारूंगी, दूध पिलाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा और फिर मुझे पारितोषिक मिलेगा कंस से, उपहार मिलेगा कंस से। कंस ने आगे पूतना जा, अगर तुझे लगे ये नंद बाबा के ये लाला वही है जिसको आकाशवाणी ने संकेत किया था तो मार देना उन्हें। और चौदश तिथि को पूतना सुंदर साध्वी का रूप धारण करके कालकूट का विष लगा के कहाँ आई, ब्रज में आ रही है। किस तिथि को आई, चौदह स्थिति को। अब संत लोग विचार करते चौदह क्यों आई, बोले पूतना अविद्या का रूप है और अविद्या चौदह प्रकार की होती है, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये चौदह प्रकार की अविद्या है और पूतना अविद्या का ही रूप है। इसलिए कब आई, चौदह स्थिति को। और क्या बनकर आई, सुंदर बनकर आई है, जबकि थी नहीं, थी नहीं, सुंदर होकर आई। कैसे, माया से। अब माया का मतलब क्या है, माया मतलब ब्यूटी पार्लर, माया मतलब ब्यूटी पार्लर। उस वक्त भी होंगे ब्यूटी पार्लर तो रूपी तो चेंज करना है तो कहीं गई। आज भी देखो महाराज कई बार बड़ा भ्रम हो जाता है, अंदर जाने वाला कोई और होता है और ब्यूटी पार्लर से बाहर आने वाला बिल्कुल कोई और होता है, पहचान ही नहीं पाओगे ये वही है। तो पूतना भी यही किया होगा, माया माने माया तो डालनी है, बड़ी सुंदर बनकर आई। और फिर कहां पहुंची, ब्रज में, किससे मुलाकात हुई, गोपिकाओं से। गोपिकाएं पूछती हैं आप कौन है, बोले दूर हिमालय से आई हूँ, साधवी हूँ, साधना कर रही थी, खबर मिली कि नंद बाबा जी के यहाँ पर लाला हुए हो, मन हुआ मैं जाकर मिलकर आऊँ, बधाई देकर आऊँ, बधाई भी देने आई हूँ और आशीर्वाद भी देकर जाऊँगी। तो भोली भाली गोपिकाओं ने परिचय बताया, परिचय पूछा और संकेत किया नंद बाबा के घर की ओर। और पूतना कहाँ पहुँच रही है, श्री कृष्ण के पास। आप विचार कीजिए, श्री कृष्ण की तीन चीजें अतिशय महत्वपूर्ण है, उनका दर्शनम, भगवान का संभाषणम और भगवान का स्पर्शनम। उनको देख ही लेना भगवान का दर्शन हो जाए अतिशय दुर्लभ है, और फिर दर्शन हो जाए फिर उनसे बातचीत संभाषणम उससे भी दुर्लभ है, दर्शन भी हो जाए उनसे बातचीत भी हो जाए फिर स्पर्शनम उनको छू लेना, उनको छू के देख लेना, ये अतिशय दुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ है। पर आप विचार कीजिए,
कि पूतना ने ऐसा क्या किया है कि आज पूतना को भगवान का दर्शन भी होगा, आज पूतना का संभाषण भी होगा और पूतना का स्पर्श भी होगा, तीनों करेंगे आज। और इसका कर्म आप देखिए इतिहास के पन्ने पलटकर, एक भी कर्म ऐसा है कि पूतना के जीवन का कि बड़े बड़े योगियों को जो नहीं मिलता, मैंने बार बार कहा बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी साधना कर करके थक जाते हैं तब भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता, और पूतना के जीवन का एक भी कर्म ऐसा नहीं है, फिर भी वो दर्शन भी करेगी, संभाषण भी करेगी और भगवान का स्पर्श भी करेगी। क्यों? इसका उत्तर है आपके पास क्या? मेरे पास तो नहीं है, एक ही उत्तर है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। किस पर कब कृपा करनी है महाराज, वो उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र ईश्वर है। आज पूतना पर कृपा करेंगे और पूतना कहाँ पहुंच गई? नंद बाबा के प्रांगण में यशोमती मैया कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिला रही है। आहट सुनी कोई आया है तो देखा बाहर एक साध्वी खड़ी है, तो कन्हैया को पलने में लटाकर बाहर गई। कन्हैया जाग रहे हैं पलने में लेटे हुए, और पूतना को देखा, आप कौन है? परिचय दिया, मैं दूर हिमालय से आई हूँ, आपको बधाई हो, आपके लाला भय हो। मन अतिशय प्रसन्न हुआ, बस एक बार आपके लाला के दर्शन करना चाहती हूँ, आशीर्वाद देकर जाऊंगी। अब अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है, आप भीतर आइए बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मैया भीतर दूध लेने गई और पूतना देखा कोई नहीं था कक्ष में, अकेले सामने पलना है और पलने में श्री कृष्ण लेटे हुए जाग रहे हैं, और पूतना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। और जैसे ही कृष्ण ने पलने में से देखा, ये तो मौसी जी पहुंच गई हैं, तो वे कन्हैया ने देखते आंखों को बंद कर लिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना को देखते कृष्ण ने आंखों को बंद किया। अब संत लोग गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी का मतलब समझते हैं कि साधु संत महात्मा इकट्ठे बैठते हैं, फिर गाय के गोबर से एक स्वरूप बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर इकट्ठे बैठकर भगवत चर्चा करते हैं, कोई विषय उठाते हैं भगवान का और उस लीला का चिंतन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो संतों ने गोष्ठी की कि पूतना को देखकर श्री वृंदावन बिहारी ने नेत्रों को बंद क्यों किया, नेत्रों को बंद क्यों किया। एक संत ने कहा कि कृष्ण विचार करते हैं कि उनके नैनन में बड़ी करुणा है, अगर वो एक बार भी इस करुणा भरी निगाह से पूतना को देख गए तो ये करुणा किस में आ जाएगी? पूतना में आएगी, और करुणा आने के बाद पूतना फिर ये लीला ना हो पाएगी, इसलिए भगवान ने उसे पहले आंखों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे भगवत रूप का दर्शन भी बड़े बड़े योगियों को नहीं होता है, बड़े बड़े सिद्धों को नहीं होता है, और बाल छवि का दर्शन होना ये तो अतिशय दुर्लभ है। पता नहीं कितने हजारों बड़े शुभ कर्म करने के बाद फिर कहीं चलकर मेरी बाल छवि का दर्शन करने का अवसर मिलता है, और ये पूतना, इसके तो जीवन का एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि ये मेरा दर्शन करे। तो फिर आखिर क्या कारण है कि पूतना को ये इतना सौभाग्य मिल रहा है? तो जैसे श्री नंदनंदन आंखों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की ओर देख रहे हैं कि देखो ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके अंतर्गत ये आज मेरी इस छवि का दर्शन कर रही है। तो कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि कृष्ण विचार करते कि मैं तो गोकुल में आया हूँ माखन खाने, मिश्री खाने, और ये पूतना मौसी अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगा के आई है मुझे मारने के लिए, और विष पीने का काम तो हमारा नहीं है, वो काम तो देवाधिदेव महादेव का है। तो जैसे कृष्ण आंखों को बंद करके महादेव का चिंतन कर रहे हैं, हे भोले बाबा अब आप बताओ क्या करना है। एक संत ने कहा नहीं, कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? अगर एक बार आप इसके नेत्रों में नेत्र डाल लीजिए तो फिर आपको कृष्ण से मोहब्बत हो जाएगी। एक बार आप बिहारी जी के नेत्रों में रख ली, पर्दा क्यों होता है बिहारी जी के मंदिर में? कारण यही है, हम लंबा समय कृष्ण को ना देख पाए, लंबा समय कृष्ण की आंखों में आंखें ना डाल पाए, अन्यथा महाराज ये कब पीछे पीछे दौड़ लेंगे आपके, खबर नहीं लगेगी, कब आप दीवाने हो जाएंगे खबर नहीं लगेगी। इसलिए कृष्ण ने विचार किया, अगर पूतना एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल गई तो इसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, और प्रेम होने के बाद ये फिर मारने वाली लीला नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण ने पहले ही आंखों को बंद कर दिया। कारण चाहे कुछ भी हो,
लेकिन पूतना को देखकर वृंदावन बिहारी नेत्रों को बंद कर देते हैं। और फिर भगवान तो बड़े करुणा निधि है महाराज, बिहारी जी का एक स्वभाव है कि इनकी जो नजदीक की दृष्टि है बड़ी कमजोर है, बनके बिहारी जी की, इनको दूर अच्छा दिखता है, जो दूर बैठते हैं ना, दूर खड़े होते हैं, वहां तक तो कृष्ण को अच्छा दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है, और जो पास में बैठते हैं, पास में, बिल्कुल पास में, वहां इनको ज्यादा दिखाई नहीं देता, इनकी जो नजदीक की दृष्टि है बड़ी कमजोर है। जानते कैसे? एक व्यक्ति जिसमें लाखों अवगुण है, दोष है, विकार है, कामी है, क्रोधी है, मद से भरा है, अभिमान से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, द्वेष से भरा है, संसार के हर विकार उस व्यक्ति के अंदर है, हर अवगुण उस व्यक्ति के अंदर है, और वो व्यक्ति केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित हो जाता है। एक बार वो जाकर श्री कृष्ण के चरणों का आसरा ले लेता है तो कहते हैं वृंदावन बिहारी का एक स्वभाव है जो इतनी नजदीक आ गया, श्री ठाकुर जी उसके अवगुण देखते ही नहीं, उसके दोष दिखते नहीं। उनका स्वभाव क्या है? उसे उठाना और उठाकर अपने हृदय से लगा लेना, ये वृंदावन बिहारी का स्वभाव है। इसलिए दूर दूर मत रहा करो महाराज, पास आओ, पास आओ। हमारे यहाँ गाते हैं ना, मेरे मन मोहना जरा नेड़े नेड़े, मेरे मन मोहना, केवल गुनगुनाएंगे, वी तू ना नेड़े हो, 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 आप लगिए ना दो मेरे मन मोहिना जरा नेड़े चने ते चकोर वांगू प्यार करिए, 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 आप चुठी दुनिया तो डरिए, आपा झूठी दुनिया तो का तो डरिए, आपा झूठी दुनिया तो का तो डरिए, आपा झूठी दुनिया तो का तो डरिए, आवे मेरे सावा विचो, आवे मेरे सावा विचो, आवे आवे मेरे सावाविचों, तेरी खुशबू मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नेड़े हो, वी तू ना नेड़े हो, वी तू ना नेड़े हो, वी तू ना लगिए ना दो मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना जरा नेड़े नजदीक पहुंच जाओ श्री कृष्ण के कि उसको आपके अवगुण दिखे ना। उसका एक ही साधन है महाराज, शरणागति। संतों ने सबसे विशेष यही कहा शरणागति। मानस के चार घाट हैं, एक ज्ञान का घाट भी है, एक उपासना का घाट है, एक साधना का घाट है, लेकिन उन समस्त चार घाटों में एक घाट अतिशय महत्वपूर्ण है, शरणागति, समर्पण। मेरा मिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा,
और तेरा तुझको सबके प्रभु क्या लागे। स्वीकार लिख कर लीजिए, प्रभु मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। देखो पूतना एक गड़बड़ करती है और वो क्या, वो अपने आप को छिपा रही है, जो थी वैसी नहीं आई। मैंने कल भी कहा था आप संसार से पर्दा कर सकते हैं लेकिन आप भगवान से पर्दा ना कर पाएंगे, आप अपने मन से ना छिपा पाएंगे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नहीं छुपा पाओगे महाराज, जैसे हो जाइए ये स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार कर लीजिए प्रभु मैं दोषी हूं, मुझ में विकार है, मुझ में क्रोध है, मद है, मत्सरता है। कितने प्रयास हमने कर लिए, जन्म जन्म बीत गए महाराज, अनंत जन्म बीत गए। वल्लभाचार्य स्पष्ट कहते मन स्वभाव तो दुष्टा, मन का स्वभाव ही दुष्ट है और इसको संसार की इतनी आदत हो गई है कि मन बिगड़ गया है, ये बिगड़ैल हो गया है। और आप विचार करो, लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्या करें, ध्यान करें, साधना करें, मन नहीं लगता। महाराज मन किसी का नहीं लगता। और पहले समझ लो मन का लगना है क्या, मन का लगना ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति करना है, बाकी तो सब साधक है। कोई चल रहा है, कोई बीच में पहुंच गया, कोई पहुंचने वाला है। मन का लगना आपका परम लक्ष्य है। और ये मन जिसको आदत है संसार की, कितने जन्म बीत गए हमारे, कुछ खबर है, हजारों जन्म। और हजारों जन्म में हमने किया क्या, संसार का ही तो भोग किया है, बार बार संसार का भोग किया, बार बार संसार का भोग किया। अब इतनी आदत संसार की मन को हो गई है, तभी तो वेदव्यास क्या कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मित द्रवस्युतम पीवत भागवतम रसमान्यम मुहुरहो रसिका भुवि बाबू कहा। मुहुरहो मतलब बार बार, बार बार पीजिए इसे, बार बार सुनिए, बार बार पीजिए इस रस को। एक बार से काम नहीं होगा, दान होती है ना, दान को एक बार कूटो तो चावल बाहर नहीं आता है, हमें बार बार कूटना पड़ता है। और बार बार कूटने से क्या होगा, वो ऊपरी परत उतर जाएगी और शुद्ध चावल बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इस मन के ऊपर भी एक नहीं, हजारों जन्मों की गर्त, हजारों जन्मों की दूषित मैल, बड़ी मोटी परत हो गई है, बहुत मोटी परत हो गई है ना भाई जी, उतरती नहीं। वो तो किसी संत के चनार बिंदों में आश्रित होगी तो उतरेगी, लेकिन एक बार से नहीं काम बनता। वेद व्यास कह रहे मुंह रहो बार बार, सदा सिव्य, सदा सिव्य श्रीमद भागवती कथा। क्यों कहा सदा सेव्य श्रीमद भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्र समाश्रित। बार बार श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, बार बार श्रवण करने से ये जो ऊपर की परत है नहीं हट जाएगी। और फिर एक समय आएगा जब शुद्ध जीव बाहर प्रकट हो जाएगा, तब तक हमें यात्रा करनी है। मैंने पहले दिन कहा था, मैं एक कथा नहीं 7 दिन की, ये 7 दिन की यात्रा है, हम सब यात्रा पर हैं। अभी डेस्टिनेशन आगे है, हमारी फाइनली डेस्टिनेशन कब मिलेगी ये तो कृष्ण जाने, लेकिन तब तक तो चलना है ना, तब तक चलते रहिए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ये यात्रा है, बहुत मिलेंगे, सत्संगी भी मिलेंगे, संसारी भी मिलेंगे। उनमें से जो सत्संग करने वाले, जो रस लेने वाले, रस देने वाले हैं, कोई संत महात्मा मिलता है उसे याद रखिए, सब में ले चलिए। कृष्ण मंजन है और इस मंजन की जो डगर है ना, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बड़ी उबड़ खाबड़ है, घने जंगल हैं, विक्षेपताएं भी हैं इस रस्ते पर। और रास्ता आपने कभी देखा नहीं, मान लीजिए अकेले आप चल पड़ते हैं तो डर है,
कहीं भटक ना जाओ, पता नहीं मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले इस नगर को देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले इन राहों पर निकल कर गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले इन रस्तों की खोज करके मंजिल को प्राप्त किया है, किसी ऐसे व्यक्ति के आप साथ चल देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का आप हाथ पकड़ लेते हैं, तो यकीन है, निश्चित है कि एक दिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर कृष्ण मंजिल है तो उनके मंजिल की डगर के जानकार कोई साधु होता है, कोई संत होता है, कोई भक्त होता है। बस हमें एक काम करना है, उस साधु के पीछे पीछे चलना है, उस संत के पीछे चलना है, उस भक्त का हाथ पकड़ लेना है, तो देर सवेर आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन पर्दा नहीं, ध्यान रखना, सदगुरु के सामने छुपाना नहीं, कोई पर्दा नहीं, खोल देना पर्दे, हटा देना। लेकिन पूतना नहीं, गड़बड़ की ना, जो थी वैसे नहीं आई, छिपा लिया, नहीं छिपाना नहीं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कह दीजिए इसे, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर्दा से तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरे साथ गुनगुना लिया करो, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, परदास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर प्रभार है, एक अर्ज मेरी सुनो, एक अर्ज मेरे सुनो, दिलदार है कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, 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 उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया, मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया, कर दो अधम की नैया मन पार है कन्हैया, कर दो जैसे हो वैसे कृष्ण के सम्मुख जाएगी। स्वीकार कर लो, मुझ में विकार है, मुझ में ये गंदगी है, हर रोज सुबह उठो ना तो पहले बाहर जाके गंदगी साफ कर लेनी चाहिए झाड़ू से, सबसे पहले काम ये करो, कोई ऐसा स्थान जहां पर गंदगी हो आप बैठोगे, कैसा स्थान चाहिए, बड़ा पवित्र शुद्ध, हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता ईर्ष्या का कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, और हृदय ही तो स्थान है जहां श्री कृष्ण बैठते हैं, तो सबसे पहले उठते ही इसको साफ करो, क्या खबर वो गोविंद कब आ जाए। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा
नाम होगा बदनाम है कन्हैया वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया कर दो अधम की नैया बगपार है कर दो अधम जैसे हैं उनके सम्मुख जाना, विकार है तो विकार सहित कृष्ण के सामने जाना, उनका स्वभाव है जो शरण में आया, ये शरणागति का घाट है। उपासना हमसे शायद ना हो पाए, योग हमसे नहीं हो पाता, बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपश्चर्या, बड़ी बड़ी समाधि हम नहीं लगा पाते, हम आसानी से तो नहीं कर पाते जिंदगी भर, हम बैठ ही नहीं पाते महाराज। और छोड़िए, नीचे बैठोगे कभी ये टांग दुखेगी, कभी ये टांग दुखेगी, कभी इधर ही लोगे, कभी उधर ही लोगे, है ना, आसन कैसे सिद्ध होगा। पर एक चीज ऐसी है जो सब कर सकते हैं, और वो है शरणागति। जैसे है प्रभु मैं आपकी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ आपकी हूँ, मर्जी आपके स्वीकार कीजिए अस्वीकार कीजिए। वो हे कृष्ण इतना जानती हूँ आप करुणा नहीं देंगे, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे, इतना जानती हूँ सागर है तू, और सागर में ना जाने कितनी नंदी गंदी नालियां मिल जाती हैं, जाके बड़े बड़े नाले मिल जाते हैं, एक एक नाली निकली और गंगा में समाहित हो गई, तो नाली वो गंदा जल गंगा में मिलने के बाद गंगा ही हो गया, गंगा ही हो गया। इसी प्रकार हम में अवगुण हैं, गुण हैं आपके हैं, अपने आप को मिला लीजिए। ये रस कैसा है, एक मिट्टी की मटकी है उसमें 9 छेद हैं, मिट्टी की मटकी है 9 छेद हैं, उसमें जल भरना हो भर पाओगे, भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते हो, लेकिन तरीका एक है, वो क्या कि मिट्टी की मटकी उठाओ उसे जल में डुबो दो, वो भरी रहेगी, उसे डूबा रहने दीजिए ना वो भरी रहेगी। संकेत समझिए, शरीर मिट्टी की मटकी है, ये तन भी मिट्टी की मटकी है, और इस तन में भी 9 छेद हैं खुले हैं और दशम द्वार तो बंद है, 9 छेद से युक्त ये मटकी है, और इस मिट्टी की मटकी में भी कृष्ण प्रेम का रस भरना है तो एक ही साधन है कि इस मटकी को उठाइए और कृष्ण कथा रूपी परम रस के अंदर डुबो दीजिए, ये भरी रहेगी, और कोई साधन नहीं है हमारा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं भक्ति की यात्रा डूबने की है, तैरने की नहीं है, यहाँ तैरने की बात नहीं हो रही है, यहाँ डूब जाना है, यहाँ संतों की शरण में जाकर, भक्तों की शरण में जाकर उस भक्ति रस में डूब जाइए। ये गोपिकाएं डूबी हुई हैं, तभी कृष्ण इनके लिए आए हैं, ब्रजराज इनके लिए आए, कोई लालसा नहीं, न धन की, न कामना, न संसार की वांछा। साधु पूछते हैं गोपिकाओं तुम इतना प्रेम करती हो कृष्ण से, क्या चाहिए तुम्हें, बोले कुछ नहीं, धन चाहिए नहीं, कोई वैभव नहीं, पद प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, कोई तो संसार की इच्छा तुम्हारे मन में होगी गोपिकाओं जो तुम ये कृष्ण को इतना चाहती हो, नहीं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने पूछा फिर गोपिका इतना प्यार क्यों करती हो, कृष्ण को इतनी मोहब्बत क्यों करती हो, रो पड़ी गोपिकाएं, बाबा एक बात कहो हम कृष्ण को प्रेम करती हैं सौदा नहीं करती, ये लेना देना तो व्यापार में चलता है, थोड़ा सा प्यार दिया और बदले में ये चाहिए, बदले में ये चाहिए, तुमने 3 घंटे बैठकर कथा सुन ली और बदले में मुझे प्रभु ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये सौदा है, और कृष्ण दे देंगे, आप ये मत सोचना नहीं देंगे, कृष्ण दे देंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण भी उसकी खोज करते हैं जो कृष्ण से चाहता हो, दुनिया है जो कृष्ण को चाहता हो कोई बिरला है। इसलिए कृष्ण के सामने बैठकर कृष्ण को चाहना कीजिए। ये गोपिकाएं, ये जो गोपिकाओं का प्रेम है श्रीमद् भागवतम, ये केवल इसलिए है इस चित्त के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम पैदा हो, ये प्रेम कृष्ण के लिए हो,
केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए। लेकिन कृष्ण करुणा नहीं दी। अब देखो पूतना करीब आ रही है, कितना सौभाग्य, कोई नहीं था, वो कृष्ण को देख रही है, दर्शन कर रही है श्री कृष्ण का, अति दुर्लभ। और फिर धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाए और अपने दोनों हाथों में पूतना ने कृष्ण को उठाया। आप थोड़ी देर के लिए महसूस करो पूतना का सौभाग्य, जो आज अनंत कोटि ब्रह्मंड के राजा धीराज इस रूप लवण्य को वो अपनी गोद में ले रही है। और हो नहीं सकता कि गोद, भागवत में नहीं कहा गया कि पूतना ने कोई बातचीत की कृष्ण से, लेकिन विचार करो एक माँ जब छोटे से बच्चे को गोदी में लेती है, जो बालक अबोध है, कुछ जानता ही नहीं, अभी कुछ दिनों का है, जिसे बोलना नहीं आता, लेकिन माँ उसके साथ कितनी बातें कर लेती है, कितनी, इससे अच्छा आपसे अच्छा एक्सपीरियंस तो किसको होगा। एक छोटा सा बच्चा जो नहीं बोलना जानता, कुछ दिनों का है, माँ उसे अपनी गोदी में लेकर कितनी बातें, कितने भाव एक दूसरे के साथ व्यक्त कर लेती है, उसकी मौन भाषा को माँ समझ लेती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पूतना ने श्री कृष्ण के उस रूप लवण्य की छवि को अपने हाथों में उठाया हो और बात ना हुई हो। मुझे लगता है भूल गई होगी वो सब कुछ, विसर गया होगा उसे संसार, कुछ क्षणों के लिए भूल गई होगी मैं क्या करने आई हूँ, और लग रही होगी वो बातें करने, वो नंदनंदन का स्वरूप देखे, वो नैनाभिराम स्वरूप जो उसकी आंखों के सामने था, जो सकल विश्व का सौंदर्य है, उस पूतना की गोदी में जो आज था, जो परम सौभाग्य आज पूतना ने पाया था, जिसको बड़े बड़े देवता लोग भी दूर दूर से देखते हैं, महाराज करीब आने का साहस नहीं है, करीब आने का हुक्म नहीं है, आज उसी छवि को, उसी नैनाभिराम स्वरूप को पूतना जैसी नारी अपने हाथ में लेकर खड़ी है। हो नहीं सकता वो वास्तव में प्रकट ना हुआ हो नहीं सकता वो ममता प्रकट ना हुआ हो नहीं सकता कि पूतना के दिल ने कुछ बातें ना की, वो तो छलिया ये है ना, फिर माया डाल देते हैं। कुंती माँ कह तो रही है, सर्व लक्ष्यानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप ही तो हैं सरकार, भीतर देखती तो आप है, बाहर देखती तो आप है, आपके सिवा कुछ नहीं है, सर्वत्र आप हैं, सर्वदा आप हैं। और उस छवि को देखकर पूतना को कुछ याद रहा हो नहीं सकता, कुछ क्षण तो भूल गई होगी, संभाषण भी हुआ होगा, दर्शन भी हुआ, संभाषण भी हुआ। हाँ ये संभाषण मौन है, ये संभाषण मौन है, कुछ बातें मौन होती हैं, बालक छोटा है, माँ जो बात कर रही है वो शब्दों में नहीं है, मौन है, बच्चा कुछ कह नहीं रहा, मौन है, लेकिन ममता वात्सल्य करुणा छलक रही है। और फिर प्रभु ने माया डाली, याद आया क्या करने आई थी, विष पिलाने, और फिर अपना पयोधर कृष्ण के मुख में डाला और कृष्ण को दूध पिला रही है। महाराज ये सौभाग्य किसे मिला, माँ कौशल्या को, देवकी को भी नहीं मिला, माँ यशोदा को मिला, देवकी भी कहां दूध पिला पाई श्री कृष्ण को, लेकिन उसी दूध पिलाने का सौभाग्य आज किसे मिल रहा है, पूतना जैसी नारी को। बताओ कौन सा कर्म ऐसा है कि पूतना को यह सौभाग्य मिल रहा है उत्तर आपके पास? मैंने तो पहले कहा मेरे पास तो नहीं है, क्यों इतनी करुणा, क्यों इतनी कृपा, ये तो महाराज कृष्ण जाने। लेकिन आज पूतना ने दूध पिलाया और फिर दूध पिलाते पिलाते कृष्ण भी पी रहे हैं, और फिर पीते पीते कृष्ण ने पूतना के प्राण खींचने शुरू किए, और जैसे प्राण खींचे चिल्लाई, हे कृष्ण छोड़ मुझे, और फिर एकदम शांत रूप धारण कर लिया पूतना ने और उड़ चली आकाश की ओर कृष्ण को लेकर, और अब छुड़ा रही है, नहीं छोड़ रहे। कन्हैया ने कहा, मौसी मेरी माँ ने मुँह को पकड़ना सिखायो, यूं तो किसी को पकड़ू नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लूं फिर जन्म जन्म मैं उसको छोड़ू नहीं। वो वृंदावन में आ रही है। और फिर तो महाराज दूध पीते पीते कृष्ण पूतना के प्राण पी लिए, और पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी और गोविंदाए नमो नमा हो गया। इधर से सब ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उधर से नंद बाबा आ रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, और पूतना को देखकर वसुदेव जी की बात याद आएगी। वसुदेव जी ने कहा था, अधिक देर मत रुकिएगा, मुझे आशंका है गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए। बोले मुझे लगता है वसुदेव कोई सिद्ध योगी हैं जिन्हें भविष्य का पहले ही अनुमान हो गया था, शायद इसी की बात कर रहे होंगे। और फिर ब्रजवासियों ने कन्हैया को उठाया, गऊ मूत्र से स्नान करवाया, गऊ की पूंछ को कन्हैया पर घुमाया, और फिर मैया ने दूध पिलाया। फिर कहीं जाकर मैया को संतोष हुआ जब कन्हैया ने दूध पिया। और फिर बाबा विचार कर रहे हैं, इतनी विशाल देह,
क्योंकि भागवत कहती है कि पूतना के गिरने से 6 कोस का क्षेत्र प्रभावित हुआ। 6 कोस माने 6 × 18 18 किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और तब विचार किया अब इसका क्या किया जाए, अगर इसकी मृतदेह यूं ही पड़ी रही तो महामारी फैल जाएगी। तो फिर ग्वालपाल ने निर्णय किया और पूतना की देह को कई टुकड़ों में काटा, उतनी चिताएं बनाई और हर चिता में एक एक टुकड़ा रखा और फिर अग्नि प्रज्वलित हुई। और सांझ का वक्त है और कहते जैसे सांझ हुई तो उसी पूतना की चिताओं से बड़ी पवित्र सुगंध उठ रही है और आकाश मंडल से एक विमान आ रहा है और पूतना की जलती चिताओं से सबने देखा ही नहीं आंखों से एक सुंदर नवयुवती प्रकट होकर विमान में बैठकर वृंदावन बिहारी के धाम की ओर जा रही है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब संतों की गोष्ठी हुई, हाहाकार मच गया महाराज। पूतना जैसी नारी जो कालकूट का विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई है उस पर इतनी कृपा, उसे माँ जैसी गति प्रदान कर दी, उसे अपना लोक दे दिया, वो क्यों, आखिर कौन है पूतना? तब संतों ने विश्लेषण किया, इसके पूर्व जन्म का पता लगाइए और तब खबर लगी पूतना कौन थी। जब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और वामन भगवान 3 पग भूमि का दान लेने के लिए महाराजा बलि के यहाँ, बलि कौन है, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं महाराजा बलि। प्रहलाद के गुण बलि में ही, बड़े शांत असुर हैं, असुरों के राजा हैं, लेकिन श्री गोविंद के प्रति, चरणारविंद के प्रति बड़ी भक्ति है, साधुओं के प्रति, संतों के प्रति, विप्रों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अतिशय श्रद्धा है। और जब वामन भगवान 3 पग भूमि का दान लेने के लिए आए तो कहते बलि के पास उनकी पुत्री खड़ी थी रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही वामन भगवान के सुंदर रूप को देखा तो उसके मन में एक भाव पैदा हुआ, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे लाड करूंगी, प्यार करूंगी, गोदी में उठाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। और जैसे ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके सब कुछ ले लिया तो इसी रत्नमाला के मन में भाव पैदा हुआ, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे मार दूंगी। अब एक ही व्यक्ति के मन में, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही बार में 2 भाव पैदा हुए। प्रथम भाव, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसको दूध पिलाऊंगी, लाड करूंगी, गोदी में उठाऊंगी। और दूसरा भाव, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे मार दूंगी। अब दोनों भावों के अनुरूप भगवान ने इस जन्म से क्या बनाया, पूतना। सबसे पहले क्या कर रही है, दूध पिला रही है और फिर उसके बाद कालकूट का विष भी तो लगा के आई है, दूध भी पिला रही है, विष भी पिला रही है। लेकिन अब भगवान की करुणा देखो, कृष्ण इतने करुणामयी है, इतने करुणामयी है, वो नहीं देख रहे हैं कि ये मुझे विष पिलाने आई है। उसकी निगाह कहाँ पर है, ये मुझे दूध पिला रही है। और दूध पिलाने का काम तो एक माँ का होता है, इसलिए पूतना को माँ जैसी गति देनी चाहिए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आप संकेत समझिए, इतनी बुराई होने के बाद भी कृष्ण नहीं देख रहे कि बुराई है। जीवन पर्यंत पूतना ने क्या किया, बाल घातनी, बच्चों का वध करने वाली आतताई, लेकिन भगवान नहीं देख रहे, पर इतना देखा इसने दूध पिलाया, एक ही गुण उसी को पकड़ लिया। कृष्ण सिखा रहे हैं, आपकी नजर ऐसी हो कि अगर सामने व्यक्ति अवगुणों से भरा हुआ है तो उसमें गुण निकालना आपकी नजर में होना चाहिए। नहीं देख रहे भगवान किस प्रयोजन से आई है, बस इतना देखा दूध पिलाया। और दूध पिलाने का काम माँ का होता है, इसलिए पूतना को माँ जैसी गति देनी चाहिए, अपना लोक दे दिया। और फिर आप अपने विचार से भी कीजिए, आप विचार करें, मन से सोचिए, मान लिया कि बाहर विष लगाकर आई थी, मान लिया कि पूतना बाहर विष लगा के आई थी पर अंदर तो दूध ही निकला, अंदर तो दूध ही था ना, दूध माने अमृत। और हमारे क्या है, भीतर विष है, उल्टा है, इसलिए पूतना जैसी भी थी लेकिन दूध ही पिलाया। तो प्रभु ने अपनी परम गति प्रदान कर दी, अपना लोक दिया, परम मुक्ति देकर पूतना को अपने नाम में भेज दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और विषक्त भंजन तृणावृत इत्यादि आए बवंडर के रूप में, उनका भी उद्धार श्री वृंदावन बिहारी ने किया। और अब 1 साल के जब श्री कृष्ण हो गए, 1 वर्ष तक अभी नामकरण नहीं हुआ था, ये तो हम लोग ले रहे हैं कृष्ण नंदनंदन, गोपिकाएं भी बस वैसे नाम जो घर में होते हैं बच्चों के रख लेती हैं।
लेकिन एक वर्ष के जब हुए तब वृंदावन बिहारी का नामकरण संस्कार हुआ है। तब जब गर्गाचार्य जी परम संत ब्रज में पधारे। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात पह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। गर्गाचार्य आए तब नंद बाबा ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा कीजिए मेरे दोनों लाला, क्योंकि दोनों भाई यहीं पर रहते हैं और दोनों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ अभी तक, आप कृपा कीजिए और मेरे दोनों लाला का नामकरण कीजिए। तब गर्गाचार्य मना कर देते, बोले नहीं नंद बाबा, सभी जानते कि मैं वसुदेव जी का कुलगुरु हूँ और अगर मैंने आपके लाला का नामकरण किया तो सबको लगेगा ये आपके नहीं है, वसुदेव जी के हैं। तो अभी तक तो कंस परोक्ष रूप में आक्रमण करता था, फिर प्रत्यक्ष रूप में आक्रमण करेगा, इसलिए आप अपने लाला का नामकरण अपने कुल गुरु शांडिल्य मुनि जी से करवाइए। तब बाबा ने कहा, गुरुदेव मैंने एक बार अपने कुल गुरु शांडिल्य मुनि जी से प्रार्थना की थी, तब उन्होंने आज्ञा दी थी कि जिस दिन ब्रज में गर्गाचार्य जी आएंगे बस उनसे कृपा पाना और उनके द्वारा ही आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार होगा। और तब आज्ञा दी और नामकरण कहाँ हो रहा है, बड़ी गुप्त रीति से, कहाँ पर, गौशाला में, जहाँ पर कौन है, गैया नंद बाबा, यशोमती मैया और रोहिणी मैया और दोनों लाला और गर्गाचार्य जी और कोई नहीं। सबसे पहले किसका नामकरण हुआ, रोहिणी पुत्र का। आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुण आखे सहित राम इति बलाधिक्याद बलम विधु। सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र का क्या नामकरण किया, इसमें अतिशय गुण है, इसका नाम होगा राम। क्या नाम रखा, राम। इसमें बल बहुत अधिक है इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा, एक नाम इसका बलभद्र भी होगा, संकर्षण की विधि से इसका प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। इनका नाम बलराम नहीं है, पहली बार ध्यान रखना, बलराम नाम नहीं है, ये दो नाम है, राम और बल, वो तो जुड़ के बाद में ज्वाइंट होके बलराम, जबकि नाम दो रखे थे, एक राम और एक बल। आख्या से राम इति बलाधिक्यत बलम विदु, एक नाम बल और एक नाम राम। और फिर यशोमती मैया का लाला, गोदी में कृष्ण कन्हैया है, आंख खुली हुई है और जैसे गर्गाचार्य ने कन्हैया की ओर देखा तो कहते उनकी आंख से आंख मिल गई और जैसे आंख से आंख मिली उन्हें त्राटक समाधि लग गई, अब कोई होश नहीं, पलक जपक नहीं रहे, हाथ जहां था वही रह गया, मुख खुला का खुला रह गया। तब यशोमती मैया ने प्रार्थना की, बाबा कृपा कीजिए और मेरे लाला का नामकरण करें। तब थोड़ी होश आई और फिर कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणि तन्हं वेद नो जन। मैया आपको ये लाला पहली बार नहीं आया, ये हर युग में आता है और वर्ण बदल कर आता है, किसी युग में रक्त वर्ण में आया, कभी ये श्वेत वर्ण लेकर आया, कभी पीत वर्ण लेकर आया और अब की बार आपका लाला श्याम वर्ण होकर आया है। इसके एक नहीं अनेक अनेक नाम है, ये अपने अलकन से, पलकन से, चितवन से, अधन के समत असमत हास्य से, अलौकिकता से, अपने अपने केशों से, अपनी माधुरी से, अपनी भाग भंगिमाओं से, अपने चरणों के नुपुर के झंकार से, अपनी वेणु के वादन से, अपने पीताम्बरी से, अपने कनेर के पुष्पों से, अपनी म्यूर पिच से, अनेक अनेक अदाओं से, अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आकर्षति इति कृष्ण, इसका नाम होगा श्री कृष्ण। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे और कितने तेरे नाम रे। इसकी अनंत अनंत लीलाएं होंगी, जिसका नाम और जिस भक्त का जैसा भाव होगा इसका वैसा ही नाम रखेगा, इसलिए अपने लाला का नाम अपने हिसाब से रखते हैं, जो भी शब्द है वो इसी का नाम है। और जहां वाणी मौन हो जाती है, कोई शब्द भी नहीं है, वो बेनाम भी कृष्ण ही है, वो मौन भी कृष्ण ही है। और यहां पर भागवत में नहीं लेकिन गर्ग संहिता कहती है कि श्री कृष्ण का नामकरण करने के बाद यहां से गर्गाचार्य रावल गांव की ओर गए, जहां पर श्री जी का प्रगट्य भी हुआ, लाली का नामकरण भी कौन करते हैं, श्री जी का नामकरण भी गर्गाचार्य।
वृषभानु जी के भी दो पुत्र हैं, एक पुत्री। इनका नामकरण भी यहां पर गर्गाचार्य जी ने किया। बड़े पुत्र का नाम रखा श्रीधामा, छोटे पुत्र का नाम सुबल। और जब बारी आई लाली की तो कहते लाली वस्त्रों में लिपटी हुई थी, और जैसे गर्गाचार्य देखा तो लाली ने दोनों चरण बाहर निकाले। प्रथम दर्शन किसका हुआ? श्री चरणों का। और लाली के चरण देखते ही गुरुदेव को भाव समाधि लग गई। भाव समाधि माने अब आंसू बहते जा रहे हैं, कोई होश नहीं, सब विस्मृत हो गया। तब कीर्तिदा ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा कीजिए। बस जैसे होश आया बोले, कीर्तिदा आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, ये आपकी लाली कोई साधारण नहीं है, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, ये श्री कृष्ण की आलाहदनी शक्ति है। सकल विश्व, ये सूर्य चांद सितारे अनंत अनंत ब्रह्मांड आपकी लाली का नाम श्रवण करके, इनका रसास्वादन करके, इनके स्वरूप का चिंतन करके, इनकी लीला कथा का चिंतन करके, सकल विश्व के अंदर प्रेम की अविरल धारा बहेगी, इसलिए इनका नाम होगा श्री राधा। राधे सूरज में तू, राधे चंदा में तू, 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 राधे तारों में तेरा नजारा, राधे मुझको तेरा, राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, राधे दीपक में तू, राधे बाती सब गाइए, राधे गलियों में तू, राधे
नामकरण संस्कार हुआ है। और फिर उसके बाद तो महाराज खूब लीलाएं बालपन की। श्री ठाकुर जी और बड़े हुए तोतली वाणी बोलते हैं, और आज नहीं जानती मैया कौन सा परम सुख मिलने जा रहा है।
नंदनंदन आए और गोदी में बैठे हैं, बड़े प्यार से मैया का मुख पकड़ते हैं, मुख का चुंबन करते हैं और पहली बार श्री कृष्ण ने उच्चारण किया मैया। और मैया सुनते ही महाराज मैया भाव विभोर हो गई। जीवन बीता जा रहा था, तरस गई थी, कोई आए और आकर गोदी में बैठकर कभी उच्चारण करे माँ शब्द कहे, और आज परिपूर्णता हुई जब कन्हैया ने कहा मैया। संभाल नहीं पा रही अपने आप को, सुबह से सांझ हो गई, नंद बाबा आए और देखते ही भाव विभोर हो रही है मैया। नंद बाबा ने पूछा यशोदा तुझे क्या हुआ? अजी आप सुनेंगे तो आपकी स्थिति भी यही होगी, हुआ क्या बता तो सही। आप बैठी तो सही, आज तो मैया ने पानी भी नहीं पूछा, आप बैठी है ना, आप सुनेंगे आपको बड़ा आनंद मिलेगा, भाव विभोर हो जाएंगे आप। बैठी, अच्छा बता तो सही हुआ क्या, और बोलने लगे तो मैया फिर रो दे। बाबा ने कहा बाबरी हो गई है, रोती रहेगी कुछ बताएगी भी, बोल तो सही हुआ क्या। अजी मैं कहती हूँ ना आप सुनेंगे, अरे सुनूंगा तब जो तू कहेगी, तू कही थी बाद में रोती पहले, क्या हुआ खबर दे ना। और तो मैया ने कहा स्वामी आज कन्हैया ने मुझे पहली बार, बस मैया नहीं बोल पा रही, शरीर कांप रहा है, जुबान फिर लड़खड़ाती है, भाव विभोर हो जाती है, जैसे जैसे याद करती है वो पल फिर से अश्रु की अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है, बार बार प्रवाहित होती है। संभाला आनंद बाबा ने, ए यशोदा बोल ना हुआ क्या, आज आज नंद नंदन मेरी गोदी में बैठे, आप जानते हैं बड़े प्यार से मेरे मुख को सहलाया, मेरे मुख का चुंबन किया, और फिर लाला पहली बार आज क्या बोला, बोल तो सही ना, बोले उसने पहली बार मुझे मैया कहकर संबोधन किया। इतना सुना बाबा के नेत्र सजल हो गए, कहाँ है कन्हैया, इतने में कन्हैया भी आ गए भीतर, ए श्याम सुंदर इधर आ मेरी गोदी में बैठ, बिठाया गोदी में, मैया क्या बोल रही, एक बार मुझे बोलकर दिखाना जो तूने मैया को कहा, बोल ना मैया कैसे शब्द कहा था। और फिर कन्हैया ने बाबा को पकड़ा बड़े प्यार से, और जो शब्द कहे पहली बार क्या बोलते हैं, अब बाबा को था कन्हैया बोलेगा मैया, लेकिन कन्हैया ने क्या कहा बाबा, और जैसे कहा बाबा, महाराज आज यशोमती मैया और नंद बाबा के मन की स्थिति, वो अंदर की करुणा संभाले संभलती नहीं है, जिस सुख को देवता भी तरसते हैं आज ब्रज में ये ब्रजवासी ग्रहण कर रहे हैं परम सुख। लाला थोड़े और बड़े हुए, अब तो खूब नटखट हो गए, 3-3.5 वर्ष की आई हो गई, और मैया खूब श्रृंगार करती है, वस्त्र पहनाती है, आप भजन में खड़ा हो गई। वस्त्र पहनाती है, अंगराग लगाती है, चंदन का तिलक, एक काला टीका कान के पीछे, क्यों इसके पीछे माँ का भाव होता है नजर ना लगे, एक बड़ा सुंदर सा काला टीका कान के पीछे, और फिर बड़ी सुंदर प्यारे केश हैं, और उन केशों में पुष्प का गजरा पहनाकर एक म्यूर पिछ लगा देती है मैया। एक नैया जा मधुमंगल मनसुखा बुला रहे हैं तो खेला, और कन्हैया जाते खेलने के लिए, और थोड़ी देर बाद धूल से दूसरी होकर फिर वापस आ जाते हैं। मैया फिर द्वारा कपड़े पहनाए, फिर से साफ करे, फिर भेजे कन्हैया, फिर धूल से दूसरी होकर फिर वापस आ जाए। अब जो कन्हैया बार बार ऐसा करते हैं, मैया गाली ए दारी के, मेरे को यूं लगे तो पिछले जन्म में सुअर था। कन्हैया मुस्कुराते, मैया तो सच्ची कहती है मैं पिछले जन्म में सुअर ही था, क्योंकि वारा भगवान में मैं ही तो हूँ, हर रूप मेरा ही तो है, लेकिन मैया नहीं समझ पाती, माँ माँ है ना, वो कब जाने ये भगवान है। और फिर जब एक दिन यमुना के तट पर लेकर गई मैया, और फिर नंद नंदन वो माटी खा रहे हैं, किसी भी अवतार लीला में भगवान ने कभी मिट्टी नहीं खाई, जब कृष्ण बनकर आए तो वृंदावन की मट्टी भी खाई, इसलिए वृंदावन में इसको मट्टी नहीं बोलते, रज बोलते हैं, रज बोलते हैं। एक तो वृंदावन में जब की कन्हैया आपको मिलेगा नंगे पग चलते हैं, और दूसरे वृंदावन की रज का सेवन करते हैं, इसलिए साधु संतों को ये रज प्राणों से प्यारी है। रसिक जन गाते हैं ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ये ब्रज की धूरी प्राणों से प्यारी है, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं
जग जान सो मोहि बचाए रहो। ये ब्रज की रज इतनी पावन, इतनी पवित्र, इसे जब भी ब्रज में जाइए इस रज में लोटपोट हो जाइए। इस रज को मस्तक पर धारण करो, इसका सेवन करो, इस रज का अतिशय पवित्र। जहाँ श्याम सुंदर प्रियाजू नंगे पग चल रहे हैं और इस रज का सेवन कर रहे हैं और फिर वो रज खा रहे हैं। गोपिकाएं शिकायत करती हैं, मैया तेरो लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन छोटी सी माटी की डेली, छोटी सी माटी की डेली, घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। गोपिकाएं शिकायत कर रही, मैया तो लालो ब्रज रज खा रहे हो। मैया ए लाला, अब कुछ मट्टी बाहर लगी तो कुछ भीतर थी, मट्टी खा रहे हो, अब झूठे तो है ही। बोले ना मैया मट्टी तो नहीं खा रहे हो। बोले पर मुख में क्या है, ये बाहर जो लेपन लगा वो क्या है, मुख खोल। अब कन्हैया मुख खोलते नहीं, मैया हाथ छड़ी लेकर खड़ी है। अब कन्हैया डर के मारे खोल नहीं, खोल दूंगा तो मैया देख ना पाएगी। ए लाला मुख खोलना, मुख खोल। और जैसे जबरदस्ती कन्हैया का मुख खिलाया और जो मुख में देखा अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन श्री कृष्ण के छोटे से मुखारविंद में मैया कर रही है। पूरा भूगोल, पूरा समुद्र की ज्वार भाटाएं कहीं उठ रही हैं, कहीं स्वयं तरंगे बह रही हैं, कहीं ज्वार भाटे फूट रहे हैं, कहीं 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 कैसी कैसी बरसाती, कहीं एनवायरमेंट कैसा कैसा चित्रण जो था पूरे ब्रह्मांड का। तभी तो कृष्ण कहते यथा ब्रह्मांडम तथा पिंडम, जो तू बाहर देख रही है ना सब ये मेरे भीतर है। ये संकेत भगवान सबको कर रहे हैं, ये तो जो बाहर देख रहा है ये सब मैंने तेरे अंदर भी भर कर रखा है, बस तुझे जागृति नहीं आई, तुझे में चेतना जागृत नहीं हो रही है। वरना ये समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मैंने तेरे भीतर भर के भेजी है, तो अपना अपने आप को जागृत कर तो पा जाएगा। और जैसे मैया ने ब्रह्मांड देखा, माँ माँ तो महाराज हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले बड़ी भूल हो गई, मैं जिसे पुत्र समझ रही हूँ वो तो पिता निकला, वो तो जगदीश्वर है, वो तो भुवनेश्वर है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा अधिराज साक्षात परमात्मा मेरे घर पर था, मैं पहचान ना पाई। मैया क्षमा मांग रही, रो रही है, हे कृष्ण हे गोविंद हे परमात्मन क्षमा कीजिएगा, मैंने बड़ा अनुचित व्यवहार आपके साथ किया है, आपको डांट देती थी, आपको गाली देती थी, आपको थप्पड़ लगा देती हूँ, मैं नहीं जानती थी आप परमात्मा हैं। अब विचार करो, अब मैया के मन में कौन सा भाव आया, ये भगवान है। अब ये भाव नहीं आया कि ये मेरा पुत्र है, भूल गई मैया थोड़ी देर के लिए, ये तो परमात्मा निकला, मैं तो पुत्र के भ्रम में लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी, निकला परमात्मा तो हाथ जोड़कर खड़ी है। पर आप विश्वास कीजिए, जब मैया हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ी है ये कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा। और भगवान विचार करते हैं, अगर मेरी मैया को ये बात याद रह गई कि मैं भगवान हूँ, तो फिर जो लाड देती है ना वो लाड नहीं कर पाएगी। वो गोदी में बिठाना, वो अपने हाथों से भोजन करवाना, मेरे पीछे पीछे घूमना, वो गाली देना, वो थप्पड़ लगा देना, ये तभी माँ करेगी जब उसके अंदर भाव पुत्र का होगा। अगर वो ये समझ गई मैं परमात्मा हूँ, तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा, फिर ये लाड, ये पास में बिठाना, ये सुलाना कहाँ होगा। तो प्रभु ने क्या किया, माया डाली और मैया ने जो देखा था सब विस्मृत करवा दिया। नहीं, मुझे माँ चाहिए। इस वक्त ब्रज में क्यों आए हैं, ब्रज का लाड लेने, गोपिकाओं से ग्वाल बालों से प्रेम करने के लिए। वो उछल कूद, वो छल चुलबुली लीलाएं, वो छलिया का छलियापन तभी होगा महाराज जब ये ग्वाल बाल गोपिकाओं को ये बात कभी चितना आए कि ये परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा पने में दूरी है, भगवान पने में दूरी। अगर इनकी सेवा भगवान समझ कर करोगे तो कभी करीब ना पाओगे, ये ध्यान रखो। इसलिए कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव हो, ममता हो, करुणा हो, प्रीतम का भाव हो, इस भाव से कृष्ण को बुलाइए। मीरा कहती है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छह पुरु, मैंने पूरा पाया, प्रीतम रूप में पाया। इसलिए वो भाव आपके भीतर में जागृत हो, वो भाव जागृत है। इसलिए माँ का वो भाव जागृत है। अब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, 3.5 वर्ष के करीब, बड़े नटखट। एक दिन एक गोपिका ने सत्यनारायण की पूजा रखी घर में,
तो उसमें ब्राह्मण देव को बुलाया, आप शाम का वक्त है, सब गोपिकाओं को बुलाया, बड़े सुंदर भोजन प्रसादी बनाई, जो भोग लगना था वो भोग बनाया, बड़े केले की सुंदर पत्तों से श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा सजाई, सब गोपिकाएं आकर बैठी, ब्राह्मण देव सामने बैठे और फिर कथा सुनाई सत्यनारायण भगवान की। और कथा सुनाने के बाद ब्राह्मण देव सब गोपिकाओं को कहते हैं, गोपिकाओं हाथ जोड़ लो, सबने हाथ जोड़ ली, आंखें बंद कर लो, सभी गोपिकाओं ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान से प्रार्थना करो, हे नारायण हमने जैसे भी आपकी सेवा की है आप उस सेवा को स्वीकार करो, हम अज्ञानी जीव है, त्रुटियां हो जाती हैं, त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कर देना और हमारी भक्ति को स्वीकार करना, हमें भक्ति का आशीर्वाद दो। तो गोपिकाएं भी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हैं, ब्राह्मण देव भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। हे गोपिकाओं अब प्रभु से प्रार्थना करो, हे गोविंद हे नारायण हमें दर्शन दीजिए, आप कृपा हम पर करें। और गोपिकाएं भी प्रार्थना कर रही हैं, हे नारायण हमें दर्शन दीजिए। और इधर नंदनंदन बाहर खेल रहे हैं, मधुमंगल मनसुखा श्रीदामा सुबल स्नातक सब इकट्ठे हटकेलियां कर रहे हैं, और कहीं खेलते खेलते कृष्ण कन्हैया दो कुत्ते के पिल्ले उठा लाए। इधर गोपिकाएं आंख बंद करके प्रार्थना कर रही हैं, नारायण दर्शन दीजिए, कृष्ण भीतर आए, नारायण की प्रतिमा हटाई, कुत्ते के पिल्ले रखे और कन्हैया दौड़ गए। और जब गोपिकाओं ने आंख खोलकर देखा तो सत्यनारायण ही गायब है, उसकी जगह पर कौन थे, कुत्ते के पिल्ले। बोले वृंदावन बिहारी, बोले ये काम किसका है, बोले ये काम एक ही कर सकता है, कौन, उछल लिया। और फिर गोपिकाएं शिकायत लेकर जाती हैं, ए मैया देख तुम लाला क्या करें। बोले कहा कि बोले आज सत्यनारायण भगवान की सेवा थी, पूजा थी, ब्राह्मण देव आए थे, हम तो हाथ जोड़कर सब गोपिकाएं प्रार्थना कर रही, हे नारायण प्रकट हो, दर्शन दो, और ये तो लाला ना जाने कहां से दो कुत्ते के पिल्ले उठाकर वहां रख गया। और मैया बोला एक कान पकड़े खींचे डांट लगाए, तो गोपिकाएं कहती मैया डांटियो मत। बोले फिर शिकायत लेकर क्यों आई हो, अब कौन समझाए मैया को, हे मैया शिकायत तो बहाना है, बस मन करता है एक बार इसे और देख ले, एक बार इसे और देख ले, मन की प्यास बुझती नहीं है, जितनी बार देखती है फिर चित करता है एक बार कृष्ण को और देख ले, एक बार कन्हैया को और देख ले, एक बार कन्हैया को और देख ले, बार बार बस मन ही करता है, बार बार मन ही करता है। इसलिए क्या बोले, शिकायत भी नहीं करने देते। और फिर गोपिकाएं वापस आ जाती हैं, बहाने खोजती हैं, और जो अदा गोपिकाओं के पास है ना वो किसी के पास नहीं। कृष्ण को देखना हो, कृष्ण का दर्शन करना हो तो गोपी बनकर गोपी की आंख से दर्शन करना, वो सिखाती है कृष्ण का दर्शन करना क्या है। महाराज क्या मनमोहनी अदा, और सारी गोपिकाएं वहां ये बाबरी हुई फिरती हैं। और फिर सबसे अद्भुत लीला श्री कृष्ण की, माखन चोरी की लीला, सबसे अद्भुत लीला। लेकिन पहले समझ लीजिए चोरी का मतलब क्या होता है। चोरी के दो नियम होते हैं, पहला नियम किसे दूसरे की वस्तु को चुराना, ये चोरी का नियम है। और एक बात ध्यान रखना, जिन गोपिकाओं के घर में जाकर श्री कृष्ण ये माखन की चोरी कर रहे हैं ना, वो गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े बड़े साधु बड़े बड़े संत महात्मा, ना जाने कितने कितने शस्त्र पर साधना की, श्री राधा कृष्ण का चिंतन किया, और जब भगवान प्रकट हुए तो आशीर्वाद मांगते हैं, हे कृष्ण बस यही वर दीजिए, जब आप कृष्ण बनकर आए ये वृंदावन में पधारें तो प्रभु हमें अपनी गोपिका बना लेना। और कृष्ण ने वरदान दिया, तुम सुनंदा नाम की गोपी बनकर आना, तो इंदुलेखा बन के आना, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, तुम्हारे घर में बैठ कर माखन खाऊंगा। ये सभी ग्वाल वाली गोपिकाएं साधारण जन नहीं है महाराज, वेद की श्रुतियां गोपिकाएं बनकर प्रकट हो गई। जब रघुनाथ जी दंडकारण्य में गए वनवास की यात्रा पर, तो दंडकारण्य के जब साधु संतों ने राम जी को देखा तो देखते मन द्रवित हो गया, हे रघुनाथ हम तो यूं ही बाबा बन गए, पहले आपसे देख लेते, आपके साथ रमण हो जाता तो जन्म जन्म की ये कामनाएं तृप्त हो जाती, पर वो हमें अपना बना लीजिए। तब राम जी ने कहा जब कृष्ण बन कर आऊंगा तुम सब मेरे वृंदावन में आना, गोपिका बनकर ग्वाल बाल बनकर मैं तुम्हारे संग लीला करूं। और वही सब साधु महात्मा आज वृंदावन में गोपिकाएं बनकर ग्वाल बाल बनकर प्रकट हुए हैं। जिनके घर में कृष्ण जा रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी यशस्वी दिग्गज संत समाधिस्थ संत परमहंस आज वृंदावन में गोपिकाएं बनकर प्रकट हो रहे हैं, और ये सौभाग्य कृष्ण इन सबको दे रहे हैं, इन सबको।
चोरी का प्रथम नियम है दूसरे की वस्तु चुराना। ये चोरी होगी, अपनी वस्तु चुराकर आप चोर थोड़ी हो जाओगे, दूसरे की वस्तु चुराकर ही चोर बनोगे। और दूसरा नियम कहता है कि इस भाव से चुराना कि वर्तमान में भविष्य में कभी किसी को खबर ना लगे ये वस्तु किसने चुराई। ये दो नियम चोरी के हैं। अच्छा अब विचार कीजिए, भागवत का प्रथम मंगलाचरण क्या कहते हैं? तेजो वारी मृदाम यथा विनम्यो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्विन सदा निस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये सकल अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये सब कुछ किसी रचना है श्री कृष्ण की। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है श्री कृष्ण, अनंत ब्रह्मांड। ये चांद सितारे नव, ये सब कुछ किसने बनाया? श्री कृष्ण ने। ये नदियां झरझर बहती कल कल जल किसने बनाया? उसी गोविंद ने। ये पेड़ पौधे पर्वत पर्वतों की कंदराएं किसने बनाई? श्री कृष्ण ने। ये सृष्टि की निर्माण किसने किया? श्री कृष्ण। दिखने को लगता है ब्रह्मा बना रहा है, लेकिन ब्रह्मा को शक्ति देने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। विष्णु को पालन करने की शक्ति देने वाले कौन है? वो गोविंद है। ये सकल अनंत अनंत ब्रह्मांड किसकी रचना है? श्री कृष्ण की। ये वृंदावन किसका है? उच्ची बोलो, सबकी आवाज नहीं आ रही, इधर वाले बोल लो। हाँ, ये गोकुल किसकी है? श्री कृष्ण की। नंदगांव किसका? श्री कृष्ण का। ये ब्रज राशि कोष किसका? ये यमुना जी किसकी? आप किसके हो? हम किसके हैं? ये ग्वाल बाल किसके हैं? ये गोपिकाएं किसकी हैं? गोपिकाओं का माखन किसका है? जब सब कुछ श्री कृष्ण का है तो चोरी का मतलब ही नहीं, क्योंकि पहला नियम बनता है दूसरे की वस्तु चुराना। यहाँ दूसरा कुछ नहीं, हमारा सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, सब कुछ श्री कृष्ण का है। और दूसरा नियम क्या कहता है? कि इस भाव से चुराना कि वर्तमान में भविष्य में कभी किसी को खबर ना लगे कि ये वस्तु किसने चुराई। कृष्ण यूं ही थोड़ी चुराते हैं, पहले गोपिकाएं निमंत्रण देती हैं कृष्ण हमारे घर आना, और फिर कृष्ण जाते हैं निमंत्रण पर, और फिर वो खुद माखन निकाल के रखती हैं, तब कृष्ण स्वीकार करते हैं जाकर। दिखा दिखा के चुराते हैं। इसलिए आज कृष्ण अपने जीवन की सबसे दिव्य लीला माखन चोरी की लीला करने जा रहे हैं। और सूरदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, कहते एक दिन, अब ध्यान से सुनना, सूरदास कहते हैं एक दिन यशोमती मैया अपनी गोदी में लाला को लेकर बैठी है और अपने हाथ से कृष्ण को माखन खिला रही है। ठीक उसी वक्त एक गोपिका पीछे आकर खड़ी है यहाँ, और जो कृष्ण कह रहे हैं ये गोपिका उनकी बात को सुन रही है। और ध्यान, ये जो गोपी पीछे खड़ी है ना, ये सोचो आप है, और जो आज इस गोपिका के मन में भाव पैदा हो रहा है वो भाव आपके मन में पैदा होना चाहिए। बन जाइए गोपी कुछ पलों के लिए जो पीछे बैठी है। कृष्ण रस तभी आएगा जब तक आप गोपी ना बनोगे, तब तक ये रस नहीं ले पाओगे। और ये गोपी क्या सुन रही है, कृष्ण क्या कह रहे हैं? बन जाइए गोपी और इसमें प्रवेश करो। कृष्ण कह रहे हैं, मैयारी मोहि माखन भावे। कृष्ण कह रहे हैं, मैया मोरी मोको माखन बड़ा प्यारा लगे। मैया ने पूछा, कन्हैया माखन क्यों प्यारा लगे? कन्हैया का ना मैया, ये माखन में माँ है ना, ये तेरी तरह बड़ा कोमल होता है, इसलिए मुझे माखन बड़ा प्यारा लगता है। मैयारी मोहि माखन भावे। और ये जो गोपी पीछे खड़ी है सुन रही है, कन्हैया को माखन बड़ा प्यारा लगा, बड़े ध्यान से। और हृदय क्या कह रहा है, हे कृष्ण अगर माखन तुम्हें इतना प्यारा है तो मेरे घर में आना, मैं माखन निकाल के रखूंगी तेरे लिए, तो मेरे घर का माखन आके स्वीकार करना। मैयारी मोहि माखन जो मेवा पकवान के हित तू मोहि नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहि माखन मैयारी। इन लीलाओं को साथ में गाइए, मैयारी मोहि माखन मैयारी मोहि। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कभू अपने घर देखो माखन पात। मन मन कहत कभू अपने घर देखो माखन पात।
टांग ना पीछे खड़ी है और विचार कर रही है, हे कृष्ण अब कब आएंगे। मन मन कहे तो कहूँ अपने घर, देखो मक्खन खान, मैं कब अपने घर के प्रांगण में आपको इन निगाह से माखन खाते हे गोविंद दर्शन करूंगी, आप मेरे घर में आना। ब्रजवती युवती क पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहित कबू अपने घर, मन मन कहित कबू अपने घर, देखो माखन खात। बैठ जाई मदनिया के डिग, बैठ जाई मदनिया के डिग, मैं तब रहो छयानी, सूर्यदास प्रवंतरयामी, सूर्यदास प्रवंतरयामी, ग्वालन मन की जानी, ग्वालन मन की जानी। सूर्यदास कहते प्रभु अंतर्यामी, ग्वालन मन की जानी। जो गोपिका मन में विचार कर रही है हे कृष्ण मेरे घर आना, मैं हाथों से माखन निकाल के रखूंगी, कहते प्रभु तो अंतर्यामी, भगवान समझ गए गोपिका के मन में क्या चल रहा है। और श्री कृष्ण आशीर्वाद देते गोपी चिंता मत करना, तो माखन निकाल के रखियो, मैं तेरे घर में आकर माखन चढ़ाऊंगा। कहते एक दिन यशोमती मैया दधि मंथन कर रही है, इस बच्चे को बिठाओ बार बार बीच में ना बैठो, दधि मंथन कर रही है यशोमती मैया। और इतने में कन्हैया आए, कन्हैया ने काफी लंबी आयु तक बड़ी आयु तक माँ का दूध पिया। इधर दधि मंथन कर रही है, कृष्ण आए, ए मैया मोरी बड़ी भूख लगी हो, थोड़ा दूध पिलाए देना। मैया ने कहा कन्हैया मैं थोड़ा दधि मंथन कर लूँ बाद में पिला दूँ। अब कन्हैया का मानने वाले जिद्दी, ना मैया अभी पीऊँगो। अरे बोला ना कन्हैया थोड़ी देर रुक जाना, सब्र करना, पिलाती हूँ थोड़ी देर दधि मंथन करने दो। नहीं मैया अभी पीऊँगो। बोले दारी के एक बार बात समझ लिया कर, तुझे कहा थोड़ी देर रुक जा। तो इतने में एक गोपिका आई, एक गोपिका आई, मैया ने गोपी को देखा तो मैया ने कहा गोपिका मेरे काम कर देगी क्या? कन्हैया दूध की जिद कर रहा है, मैं थोड़ी देर इसको दूध पिला दूँ तो दधि मंथन कर दे, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। अब गोपी को क्या चाहिए था, वो तो केवल एक झलक पाने आई थी, और दधि मंथन के बहाने कुछ समय रुकेगी और श्री कृष्ण का दीदार कर लेगी, श्री वृंदावन ऐसी ललक हो मन में। अब देखो मैया उठी और गोपिका बैठ गई। अब दधि मंथन की रस्सी किसके हाथ में, किसके हाथ में है? मैया सामने बैठी है और गोदी में कौन है? कृष्ण। कृष्ण को दूध पिला रही है, कृष्ण दूध पी रहे हैं, और गोपिका का ध्यान कहाँ है? दधि मंथन पर नहीं है, कर दधि मंथन रही है, लेकिन निगाह किस ओर है? श्री कृष्ण की ओर है। इतने में दूध पीते पीते कृष्ण ने मुख इधर किया, और जैसे मुख इधर किया तो गोपिका की निगाह से निगाह मिली और गोपिका बेसुध हो गई। और इधर मन में विचार क्या चल रहा है, इधर दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन करते करते देख किस रही है कृष्ण को, और कब मटकी पलट गई, दधि बिखर गया, इसे कोई खबर नहीं है, ये केवल कृष्ण को देख रही है, इधर रस्ती चल रही है, और मन में क्या विचार चल रहा है, मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी, ओ मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी। अच्छा देखो गोपी क्या कर रही है, गोपी क्या कर रही है, क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही है ना, ताली तो नहीं बजा रही है। मैंने क्या कहा गोपी बन जाओ, तो फिर जो ये कर रही है वो आप करो, ताली नहीं बजा रही। मेरे प्रकट करो, मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आ जा तो है माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तो है माखन खिलाऊंगी,
इतना माखन होने के बाद श्री कृष्ण गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं। फिर कृष्ण आए ग्वाल बालों के पास, ए मधुमंगल मनसुखा श्री धामा सुबल स्नातक सब आ जाओ। बोलो कि नहीं यार, बोले आज से हम एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं। बोले क्या? बोले आज से हम गोपिकाओं के घरों में जाएंगे और माखन की चोरी करेंगे। मनसुखा ने कहा साले मैया को खबर लगे कि पिटाई बड़ी होगी, पर कन्हैया तो कन्हैया ना महाराज, और कन्हैया कहे और छलिया कहे और बात ना मानी जाए। बोले चोरी करना सिखाए रहे हो? अरे नहीं, खाने पीने की वस्तु को लेना चोरी करना थोड़ी ना होवे, और फिर क्यों कर रहे हैं? अब श्री दामा जी मधुमंगल आकर कहते हैं, बोले घर में माखन तो बहुत बनता है पर हमारी मैया सब मथुरा में जाके बेच आ गया। बोले वारे सेवा हम करें, गैया चरण हम करें और गो का रस और ये माखन खावे मथुरा के लाला, ये आश्रम ना होने देवे, तो फिर गोपिकाओं का माखन चोरी करेंगे। शुरुआत कहाँ से की कन्हैया ने? अपने घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी तक तो बच्चों के साथ खेलते रहते सारा दिन मौज मस्ती गई बछड़ों के साथ, और आज कन्हैया ने सबको इकट्ठे किया। मैया ने माखन छीके पर टांग रखे थे, सबको लेकर आए, टोली बनाई, उसके ऊपर सबसे ऊपर वृंदावन बिहारी,
और फिर खूब श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल निकाल के बांट रहे हैं और फिर कुछ मुख पर लगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। मैया को खबर लगी कुछ हुआ और जैसे देखा सब ग्वाल बाल दौड़ गए और कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया। क्यों रे लाला माखन खा रहे हो? तो अनायास मुख से क्या निकला? मैया मोरी मैं नहीं माखन। अनायास निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया। अब लाख मैया गए, अब मैया ने देखी, खुद देखा इसने कहा से कन्हैया को माखन खाते। और फिर क्या अदा श्री कृष्ण की, मैया ने देखा, सच जानती है लेकिन मैया से भी झूठ बुलवा देंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन। क्यों रे लाला तू ऐसा क्या करे? बोले समय किसके पास है मैया माखन खाने का? ऐसा क्या करता था सारा दिन? भोर भाई गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो चार पहर वंशी वट वट क्यो और सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन। अच्छा ये जो छीके पर चढ़ रहा था वो कौन चढ़ा था? अब एक से एक बढ़ के तर्क देते हैं। बोले मैया मैं छीके पर कैसे चढ़ सकता हूँ? बोले क्यों? तू देख मुझे इतना छोटा सा तो हूं मैं, छोटे छोटे मेरे हाथ है। मैं बालक बहियन को छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, छीको किस विद पायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन। अच्छा लाला ये जो मुख पर लगा हुआ वो कैसे लगा? अब कन्हैया मैया से वो डरते हैं, मैया से वो डरते हैं श्याम सुंदर। अब फंसे, अब फिर एक तर्क देते हैं, मैया ये मैंने ना लगायो। बोले फिर ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बैरी है मेरे दोस्त नहीं है, ये जबरदस्ती आगे लगा के चले गए। मैया हंस रही है, सूरदास कहते मैया बहुत हंस रही है कृष्ण की ये हरकतें देखकर। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं और बरबस मुख लिपटायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब कन्हैया ने देखा मैया तो नहीं मान रही, मैं तो एक से बढ़कर एक तर्क दे रहा हूं और अगर मैया नहीं मानी तो आज जो होगा बड़ी पिटाई होगी कन्हैया, क्या करूं? और जब बच्चे देखे ना मैया नहीं मानती, माँ ना माने तो बच्चों के पास एक ही तीर रह जाता है और वो कौन सा? इमोशनल ब्लैकमेल। अब दिल पर चोट करो, और कन्हैया ने वही किया। सूरदास कहते कन्हैया बैठ गए, रोने लगे। ए मैया अब मैं सच जान चुका हूं। बोले का? मैया मेरे को लगे अब तू मुझे इतना प्रेम ना करे, और जो शब्द कृष्ण कहते हैं वो कोई माँ नहीं सुन सकती। मेरे को लगे अब तेरे जिया कुछ भेद उपज है, जायो परायो जानो, तूने मुझे पराया समझ लिया। और हाँ सुन मैया अब तू दाऊ भैया को ज्यादा प्रेम करे, मोह को ना करे। और एक गोपी कह रही थी मेरे को, बोले क्या कह रही थी गोपी का? बोले कन्हैया एक बात बता, हमें लगे मैया तेरे को मोल लेके आई है। क्यों? यशोमती मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, तू काला का है तो? अब मैया मेरे को समझ आ गई, मैं तेरे लाला ना ही हूं और ये माँ नहीं सहन कर सकती। अब कन्हैया रोने लगे, मैया की भी आंखें भर आई। एक कन्हैया ना मैया बस अब मैंने समझ लियो, तू मुझको प्रेम ना करे, तू दाऊ से प्रेम करे। एक कन्हैया सुन तो सही, अब कुछ ना सुनो। और उठाया मैया ने कन्हैया को, गोदे बिठाया एक कन्हैया। अब मैया को भी लगा मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया को बड़ा दुख दे दिया। मैया भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। अब मैया को लगा अच्छा कन्हैया सुन तो सही ना, मैया अब कछु ना ही सुनो, ए सुन तो सही ना एक बार। ओ लल्ला मुरे तै नाही माखन खायो, मनवा दिया मैया को। ओ मैया लल्ला मुरे तै नाही माखन। अब कन्हैया तो मन ही मन खुश हो रहे, इधर मैया का भाव महाराज खूब अश्रुपात कर रही है। अब जब कुछ समय बीत गया, कन्हैया ने सोचा खतरा टल गया, अब कोई पिटाई नहीं होने वाली, तो फिर अब झूठ बोलने से फायदा क्या, सच बोल देते हैं। ए मैया एक बात कहूं? बोलना लाला। ओ मैया मोरी सुन, मैया मोरी मैं ही माखन। और मैया क्या कह रही? ओ लल्ला मोरे तै नाही माखन। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। और
अब सूरदास कहते बस अब तो फिर गोपिकाएं इंतजार करती हैं और एक एक घर में जाकर श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं और सूरदास कह रहे हैं प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी करी पूरण मन
गोपी घर में जाते हैं, गोपिकाएं खुद अपने हाथों से माखन निकाल के रखती है। देखो एक मंथन बाहर हो रहा है, दधि मंथन करके माखन निकाल रही है, पर एक मन मन के अंदर भी मंथन हो रहा है। जब दोनों और बाहर भी भीतर भी माखन निकलेगा तभी श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। अपने मन का मंथन भी करते रहना और मन का मंथन करके अंदर के विकारों को एक तरफ कर देना और उसमें से शुद्ध चित्त पवित्र मन जो बाहर निकलेगा उसका मंथन जो होगा वो माखन जब निकलेगा और बाहर भी माखन तैयार हो जाएगा तब श्री वृंदावन बिहारी आपके घर पर चले आएंगे उस भाव से। और फिर एक ही घर में जाकर माखन की चोरी करते हैं। ब्रज घर घर प्रगट भई एक बात, हर घर में ये बात है, कृष्ण आते हैं कब आवे कब माखन चुरा के चले जावे कोई नहीं जानता। और जिस घर में माखन ना दिखे तो फिर मटकियां तोड़ के आ जाए। फिर गोपिकाएं शिकायत लेकर जाती है, मैया तेरे लाला देख आज ऐसा ऐसा करके आयो। मैया डांटे तो ना डांटने दे। एक दिन तो सुबह सुबह 5 बजे चकसोली गांव में पहुंच गए गोपिका के घर, सबको साथ में लेके गए, टोली पूरी साथ में, मधुमंगल दामाजी सबको छिपा दिया, तुम छिप जाओ। द्वार खटखटाया, गोपी बाहर आई, इतनी सुबह सबसे पहले नंदनंदन का दर्शन हुआ, कृतार्थ हो गए। कन्हैया तू इतनी सुबह? बोले हाँ गोपिका। बोले मैया ने भेजी। बोले मैया ने तेरे को काहे भेजा? बोले तू नहीं जाने, अभी अभी हमारे घर में कुछ साधु आए और मैया चाहती है कि साधुओं की सेवा ताजे माखन से की जाए, और तू तो जानती है मेरी मैया तो रात को माखन निकाल के रख दे, तो इसलिए मैया ने कहा तू उसके पास जा, गोपिका के पास, वो सुबह सुबह उठ के ताजा माखन निकालती है, तो उसे एक मटकी ले आना और कहना बदले में 2 दे दूंगी। गोपिका भीतर गई, एक मटकी माखन और मिश्री लेकर आई। लेकर नहीं आ तू ले जा इसे, और मैया को कहना वापस देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ओर से साधुओं की सेवा हो जाएगी। इतना कहा कन्हैया को मटकी दी और गोपिका ने द्वार बंद किया, भीतर गई और कन्हैया जी महाराज वहीं बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी, ए सब बाहर आ जाओ, ए दामा जी मधुमंगल सब आओ, और गोपी के द्वार के बाहर ही बैठ के सबको माखन दे रहे, मिश्री बांट रहे। देखो कृष्ण से अदा सीखना, कन्हैया के पास जो वस्तु आती है वो पहले नहीं खाता, पहले अपने भक्तों को देता है। जब भी आपको प्रसाद मिले ना कभी अकेले नहीं खाना, प्रसाद वो होता है जिसे आप बांट देते हैं, उसे बांटना चाहिए। सबसे पहले एक कणिका खुद स्वीकार करो, जब भी प्रसाद मिले ना सबसे पहले एक कणिका खुद उसी वक्त स्वीकार करो, देरी नहीं करनी। अभी प्रसाद मिला साथ के साथ एक कणिका मुख में रखो, क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रसाद है, और कोशिश करो कि वो अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे, सबको बांट दो। ये भक्ति का लक्षण है, भक्ति बांटना सिखाती है। कृष्ण को देखो पहले सबको खिला रहे हैं और फिर अंत में खुद खाते हैं। अब सबने माखन खाया, अब माखन तो नरम है कोई चक्कर नहीं, पर जब खाए मिश्री तो टुक टुक करके आवाज आई, और भीतर बैठी गोपिका को लगा कुछ लग रहा है, नहीं भ्रम होगा। फिर ग्वालों ने माखन खाया, फिर मिश्री खाई तो टुक टुक करके आवाज आए। अब गोपिका को लगा दाल में कुछ काला है, चल के देखना चाहिए, और जब बाहर आई द्वार खोला तो सारी टोली सामने बैठी, बोली बाल कृष्ण भगवान। एक नैया बड़ी कड़क बोली गोपिका, एक नैया तू तो कह रहे हो थे साधु आए साधु की सेवा करनी है, ये है तेरे साधु? कन्हैया देखा गोपी थोड़ी कड़क होकर बोल रही है, ए गोपिका थोड़ा संभल कर बात कर। बोले काहे को? बोले ये भी साधु है। बोले ये कौन से साधु है? बोले ये मेरे नागे साधु है। इतना कहा और श्याम सुंदर दौड़ गए। बोल श्री वृंदावन की जय। एक बार तो गोपिकाओं ने पकड़ लिया, एक कन्हैया माखन खाए गो? बोले हाँ। अच्छा कुछ गाना कुछ सुना दे। ए गोपिका मेरे को ना यहाँ। अरे नहीं कन्हैया तू बोल ना, तेरी भाषा बड़ी प्यारी लग रही है, तो कुछ गाता है गुनगुनाता है, दिल को सुकून मिलता है चैन मिलता है। तब तब कन्हैया गोपिकाओं के लिए गुनगुनाते हैं। गोपिकाओं ने कहा, कुछ 7-8 गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, एक कन्हैया छाछ पिएगो? हाँ छाछ तो पीऊंगो। अच्छा ले। अब गोपिका देने लगी तो कन्हैया पकड़ने लगे, गोपिका ने पीछे खींच लिए। ए गोपिका पीछे क्यों खींच रही है? बोले पिएगो? बोले हाँ। अच्छा पहले थोड़ा ठुमका लगा के दिखा। ए मेरे को ना नाचना आवे, मैं ना नाचूंगो, तू छाछ दे दे। अरे वारे कन्हैया तुमने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, अब तो तुम्हें हम नचाया करेंगे, अब तो तुम्हें हम नचाया करेंगे।
को अनंत ब्रह्मांड को नचाने वाले ब्रह्म को नचाने की हैसियत गोपिकाओं की है। क्यों? प्रेम की डोरी में बांध रखा है महाराज, और ये प्रेम में कृष्ण फिर दिनेश गणेश महेश जिसको निरंतर ध्यान लगावे वही अहीर की छरिया पर छाछ के लिए नाच नचावे, वही गोपिकाएं छाछ के लिए उस अनंत ब्रह्मांड के मालिक को नाचने पर विवश कर रही हैं, और कन्हैया भी छाछ पिए रे और साथ में ठुमका मार मार के नाच रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े नटखट महाराज सारे ब्रज में चोरी कर रहे हैं और कोई पकड़ ना पावे। पकड़े कैसे? कन्हैया का जादूगरी महाराज, इनसे बड़ा कोई जादूगर है क्या? चाहे कोई चमके जी चाहे कोई दमके बचना है मुश्किल पिया जादूगर से, वो देगा ऐसा मंत्रवा होगी पल में तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। महाराज इस जैसा जादूगर कोई नहीं है, जिस पर इसकी जादूगरी चल गई ना दुनिया धरी की धरी रह जाएगी। यूं ही नहीं बैठे आप लोग, ये सब इसकी जादूगरी के दीवाने हमारा सब इसके, कोई ऐसा जादूगर नहीं है। लेके पहला पहला प्यार बरके आंखों में कुमार, जादू नगरी से कोई चमके जी चाहे कोई दमके बचना है मुश्किल पिया जादूगर से, चाहे कोई चमके जी चाहे कोई दमके बचना है मुश्किल पिया जादूगर से, वो देगा ऐसा मंत्र मार होगी पल में तेरी हार, जादू नगरी से सुबह बैठी मारा रस्सी हाथ में लेकर, पति ने पूछा क्या कर रही हो? बोले ये चलिया है ना जिसको कोई ना पकड़ पाए हो, आज सांझ तक नंगे हाथों पकड़ूंगी भाई जी और सारे ब्रजवासियों को बुलाऊंगी और दिखाऊंगी ये चोर, देखो ये नंदन चोर जिसको कोई ना पकड़े। पति ने कहा ए क्या करती है? अरे उसे कोई नहीं पकड़ सकता, उसे कोई बंधन नहीं बांध सकता। बोले देखना इससे बांधूंगी, इस अहंकार को छोड़ दे, एक ही बंधन है जो कृष्ण को बांधता है और वो क्या? इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे फिर वो कहां भाग जाया, और कोई बंधन नहीं। अरे आप देखिएगा, पति समझाकर चला गया, ठीक है जो तेरी मर्जी कर ले। पूरी तैयारी करके बैठी है, छीके पर माखन टांग रखे और फिर इंतजार भी कर रही है और फिर बुला भी रहे एक श्याम सुंदर तू मेरे घर पर आना, और दोपहर का वक्त है, बड़ी बेसब्री लगी हुई है। मैं जानती हूँ कृष्ण जो आपको बुलाते हैं आप जरूर जाते हैं, मेरे मन की प्रार्थना में सुनेंगे, आप अंतर्यामी हैं मेरे घर पर आना, लेकिन प्रयोजन क्या है? पकड़ने का, रस्सी से बांधने का, और फिर कृष्ण तो सबके सुनते हैं। और देखा दोपहर का वक्त हो तो सामने मयूर पिछ नजर आई, पीताम्बरी लहराती नजर आई, और फिर ग्वाल बालों के साथ श्री नंदन गोपिका के घर में प्रवेश कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। छिपके बैठ गई कन्हैया, धीरे से आए, देखा सामने छीके पर माखन है, धीरे धीरे सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, टोली इकट्ठी उसके ऊपर सबसे ऊपर श्री वृंदावन में आ रही, और फिर माखन निकाल कर देने लगे, और देखती देखती भूल गई कि पकड़ने के लिए बैठी हुई, भूल गई। और फिर एकदम याद आया मुझे तो कृष्ण को पकड़ना है, और दौड़ी, और जैसे दौड़ी ग्वाल वाल सब दौड़ गए और कन्हैया को गोपिका ने पकड़ लिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल क्यों रे श्याम सुंदर, सब ब्रजवासी कहते तुझे को पकड़ ना पावे, देख आज तुझे पकड़ भी लियो और आज तुझे बांधूंगी, यशोमती मैया को बुलाऊंगी, नंद बाबा को बुलाऊंगी, सब ब्रजवासियों को बुलाऊंगी, देख चोर अब बिठाया कुर्सी पर बैठ जा। अब कन्हैया ने देखा गोपी बड़ी करड़ी है, और कहीं मैया आ गई तो आज कन्हैया बचेगा नहीं, तो
मैंने कहा ना सकल जगत का भय भी जिससे भयभीत होता है वही वृंदावन बिहारी यशोमती मैया से वो डरते हैं। अब फिर अपना जादू चलाएंगे एक गोपी का, ए बोलना नहीं मैं जानती हूँ तुझे, छलिया तू कभी भी छल कर सकता है, ये देख आज बांधूंगी। अब कन्हैया ने कहा क्या करूं, और फिर कन्हैया की निगाह से कौन बच पाया महाराज, फिर बड़ी मीठी मृदु भाषा में भाई जी बोले ए गोपिका, बस जैसे कहा ना गोपिका, गोपिका ने थोड़ा सा चेहरा घुमाया कृष्ण की ओर देखा, और जैसे कन्हैया की ओर देखा तो आंख से आंख मिली, सब बेसुध हो गई, बेसुध आंख कन्हैया नहीं नहीं गोपिका मैं तो बस यूं कहूं, बात नरमी चतुर सुजान है, मैं तो बस यूं कहूं तुझे बांधना आवे, बोले बांधने में क्या, अभी बांध नहीं नहीं तू मेरी बात नहीं समझी गोपिका, मैं तो बस यूं कहूं एक बार मैं तुझे बांधना सिखाए दूं फिर तू बांध देना, बस गोपिका गई। अच्छा श्याम सुंदर सिखाए दियो, और नहीं गोपिका जानती कब कृष्ण खड़े हो गए कब गोपिका बैठ गई और कब गोपिका के हाथ की रस्सी श्याम सुंदर के हाथ में आ गई। श्री वृंदावन की जय। हाँ कन्हैया सिखाए दे, देख गोपिका सबसे पहले यहाँ रस्सी को बांधते हैं, समझ गई, बोले हाँ कन्हैया समझ गई, अब बोले ऐसे चक्कर लगाए ठीक, बोले हाँ, अब ये दूसरा चक्कर ठीक, बोले हाँ, ये तीसरा ठीक, बोले फिर ये गांठ बांध दे, बस ये हो गया बांध गया। हाँ कन्हैया मैं समझ गई, अब तू रस्सी खोल दे मैं तुझे बांध देती हूँ। एक गोपिका मेरा काम तुझे बांधना था, मैं चला मैया के पास खोलेगा तेरा खसमा के, मैं जा रहा हूँ, बोले श्री वृंदावन बिहारी, और श्याम सुंदर दौड़ गए और गोपिका बांधने वाली खुद बंध गई, क्योंकि ये डोरी कौन सी है महाराज, ये श्री कृष्ण के प्रेम की डोरी है, और क्या परम सौभाग्य उन गोपिकाओं को जिसको कृष्ण खुद प्रेम के बंधन में बांध रहे हैं। इसलिए गोविंद से कहो प्रभु हमारे में औकात नहीं है आपको बांधने की, आप ही प्रेम की डोरी उठाओ और हम सबको अपने प्रेम की रस्सी में बांध लीजिए, ये काम भी आप ही कर सकते हैं, आप ही कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। सांझ हुई पति आया और जैसे अंदर प्रवेश किया माजरा पलट गया, ये तो कन्हैया को बांधने गई थी ये तो खुद बनी पड़ी है, करीब आए उत्कला कोई होश नहीं बस रो रही है, ए उत्कला आवाज दी कोई होश नहीं, करीब आया हाथों से पकड़ा झंझोड़ दिया, हे उत्कला तब होश आई, बोली तू बंदी पड़ी है क्या हुआ, रो पड़ी, वो काला एक बांसुरी वाला सुद बिसरा गया मोरी रे, सुद बिसरा से बांधने चली थी, और कब वो नटकट का नहीं आ वो चित्र चोर मुझे बांध कर चला गया, नहीं जानती वो काला एक बांसुरी सुध विसरा गया मोरी रे, सुध विसरा गया सरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, पंजघट पे मुन मैया मरोरी, पंजघट पे मोरी मैया मरोरी,
बिसरा गया माखन चोर जो नंद किशोर कर गया मन की चोरी रे सुद बिसरा गया मोरी वो काला बांसुरी वाला नहीं जानती मैं उसे बांधने चली थी कब वो छलिया मुझे बांध कर चला गया कोई होश नहीं है और इस सारे ब्रज को कृष्ण ने इसी प्रेम की डोरी से बांध रखा है। प्रभु से प्रार्थना करो हे कृष्ण हम में सांस नहीं हम क्या आपको पकड़ेंगे हम क्या आपको डोरी से बांधेंगे बस आप करुणा कीजिए और इस प्रेम की इस वात्सल्य की इस ममता की करुणा की डोरी से हे गोविंद हमारे हृदय को अपने साथ बांध लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की वाणी को विराम देते हैं और कल महाराज की लीला भी है उसका प्रयास करते हैं। कृष्ण कृपा करें।